तो अब जो है ये हमारा तीसरा पार्ट है। पहले के दो पार्टों में हमने काफ़ी हद तक चीज़ें समझी। अब जो है हम प्रवेश कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे, एक बड़ी विषय वस्तु। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कंप्लीट सेक्शन यहाँ पर हम सिनेरियो देखने वाले हैं। कोई भी टॉपिक आपको लगभग लगभग नहीं बचेगा, लेकिन इसका अगला पार्ट जो होगा उसमें मैं सभी ने गांधी के जो मूवमेंट हैं, असहयोग आंदोलन के बारे में तो यहाँ पर कुछ बता दूंगा, लेकिन जो बाकी के हैं वो अगले पार्ट में आएंगे। यानी इसका नेक्स्ट पार्ट और आएगा, फाइनल एपिसोड होगा, उसमें कुछ नहीं बचेगा। यानी कि प्राचीन भारत आपका कंप्लीट हो गया, मध्यकालीन भारत कंप्लीट हो गया, आधुनिक भारत के दो पार्ट कंप्लीट हो गए, ये तीसरा पार्ट है। और इस तीसरे पार्ट में आपको इसके करने के बाद जब चौथा पार्ट आ जाएगा, उसके बाद जाइए 3 से 4-5 घंटे लगाइए, उनको देखिए, एग्जाम हॉल पे जाइए, बूस्ट अप होकर के प्रीलिम्स क्वालिफाई कीजिए, कुछ नहीं आपको दिक्कत होगी, A to Z बहुत इजी है। इन्हीं सब चीज़ों को मुझे पढ़ाने में 2 से 3 महीना लगता है, इन्हीं सब चीज़ों को मैं 2 घंटे में भी पढ़ा देता हूँ। ये बहुत लंबा टाइम टेकिंग चीज़ है, लेकिन आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिले उसके लिए मेरा प्रयास है मास्टर वीडियो का। तो चलिए आधुनिक भारत के इस सेक्शन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विषय वस्तु को प्रारंभ करता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, भारत की आज़ादी की कहानी ऐसे नहीं शुरू हुई। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम गुलाम हैं कि नहीं, है ना। भारतीयों को बहुत समय बाद पता चला कि हम गुलाम हैं। शुरुआत में तो पता ही नहीं था कि हम गुलाम हैं। कांग्रेस जैसी संस्था बन गई, लेकिन पहले सहयोगी बनी रही वो संस्था भी, उदारवादी चरण पूरा सहयोगात्मक चरण था उसका। तो ओवरऑल यदि होलिस्टिक अप्रोच में देखा जाए तो भारत की जो आज़ादी है, भारत की आज़ादी भारतीय राष्ट्रवाद की भावना के जागरण से शुरू होती है। अब राष्ट्रवाद की भावना आपके अंदर तब आएगी जब आप इसको राष्ट्र के रूप में समझेंगे। देखो, मुगल काल में देखा जाए तो भारत को यदि हम प्राचीन काल से देखें तो इसका एकीकरण होता रहा है, टूटा है एकीकृत हुआ 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 है। देखिए ना, जैसे कि आप देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एकीकृत क्षेत्र था, कालांतर में टूट गया। फिर इसके बाद महाजनपद काल में मगध साम्राज्य में बहुत सारे शासक आए, जैसे मौर्य काल में आए, अशोका ने पूरे देश को एकीकृत कर दिया, एक बना दिया। फिर मौर्योत्तर काल में फिर टूट गया। गुप्तोत्तर काल में, गुप्त काल में फिर समुद्रगुप्त आ गया, फिर एक बना दिया। फिर गुप्तोत्तर काल में फिर टूट गया। फिर इस्लाम का आगमन हो गया, हर्ष की मृत्यु के बाद तो बहुत बुरा हाल हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, सामंतवाद का उदय हो गया। मेडिवल इंडिया में जाएँ तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत में प्रयास किया, फिर उसमें खिलजी वंश आया, खिलजी के बाद तुगलक आ गए, सैयद आ गए, लोधी आ गए। फिर मुगल काल ने भी प्रयास किया। अब मुगल काल में सबसे बड़ा प्रयास अकबर ने किया, अकबर की नीतियों को आगे चलाते चलाते औरंगजेब ने भी किया, लेकिन औरंगजेब समझ नहीं पाया कि भारत को लंबा कितना ले चलना है। अपने उत्तराधिकारियों को ऐसी विरासत दी जो विरासत बहुत लंबा चल नहीं सकती थी, समझ रहे, ताश के पत्तों का ढेर दिया। तो धीरे धीरे फिर भारत वही कंडीशंस में आ गया। 1707 को जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, पूरा भारत विखंडित होना शुरू हो जाता है। अवध अलग, बंगाल अलग, हैदराबाद अलग, स्वतंत्र राज्यों का उदय होना शुरू हो जाता है। ये सब हम देखते हैं, वो सिनेरियो। स्वतंत्रता की बात अभी हमें समझ में नहीं आ रही थी कि हम गुलाम हैं। कंपनी आ रही थी विदेशी तो बहुत आए, पहले ईरानी आए, फिर साक आए, फिर ऊंड आए, वो तो आदत बन गई थी हमारी विदेशियों से। यूरोपीय आ गए तो कौन सी नई बात हो गई, लेकिन एक अंतर है यूरोपियों के आने में और विदेशियों के आने में। यूरोपियों के आने में यूरोपियों ने भारत को भारत नहीं समझा, भारत को एक उपभोग की वस्तु समझा, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं किया, यहाँ से पैसा ले जाके बस दूसरी जगह डेवलपमेंट किया। बाकी के जो विदेशी आए, चाहे मुगल कह रहे हों, चाहे शक रहे हों, चाहे हूंड रहे हों, चाहे जो भी बर्बर जातियाँ रही हों, जब भी भारत वो आए तो आने के बाद उन्होंने भारत को भारत समझा और भारत में ही वो मिक्स हो गए, भारतीय संस्कृति को अपना लिया। यूरोपियों ने नहीं अपनाया, तभी तो आज़ादी के बाद ये तुरंत छोड़ के सब चले गए, क्योंकि इनका कोई मकसद ही नहीं था भारत को भारत अपनाने का। तो होलिस्टिक अप्रोच पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि भारत की आज़ादी की तैयारी। अब देखो, जब तैयारी की बात है तो तैयारी ऐसा अचानक नहीं कि बड़े स्तर पर हो जाएगी, पहले छोटे छोटे स्तर पर तैयारी होगी आज़ादी के लिए। छोटी छोटी संस्थाओं का जन्म होगा, फिर एक बड़ी संस्था आ जाएगी, कांग्रेस। लेकिन क्या कांग्रेस ने ही भारत को आज़ाद कराया? क्या ये कहना सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस एक मंच है, एक बड़ा मंच जिसकी एक बड़ी पहुंच है। कांग्रेस के अलावा बहुत छोटे छोटे मंच हैं, समझ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे मंच हैं। मैं आज आपको वो भी बताऊंगा कि कांग्रेस से पहले कौन कौन से मंच थे, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। कांग्रेस से पहले के कौन कौन से मंच हैं,
इन मंचों को यदि हम समझ पाए, इसके बाद कांग्रेस पे आते हैं। कांग्रेस तो बाद का एक बड़ा मंच बना, फिर कांग्रेस के समय में ही क्रांतिकारी अलग लगे हुए थे, वो तो कांग्रेस के मंच से नहीं थे। वामपंथी अलग लगे हुए थे, वो तो कांग्रेस के मंच से नहीं थे, है ना। क्रांतिकारी अलग लगे हुए थे, वामपंथी अलग लगे हुए थे, इसके अलावा और बताइए और कौन कौन से मंच थे। कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, सोवियत संघ जब वहाँ पर उदित हुआ 1917 में, वहाँ पर बोल्शेविक क्रांति हुई, उसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। तो बहुत छोटे छोटे मंच थे आज़ादी के। एक मंच था कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अगुवाई करने वाला मंच था, क्योंकि इतना बड़ा मंच भारत को मिला, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि भारत की आज़ादी की लड़ाई एक किसी मंच ने नहीं लड़ी, सब ने लड़ी, मिल के लड़ी। कई विचारधाराएँ एक साथ चल रही थी। सुभाष की विचारधारा अलग चल रही थी, भगत सिंह की विचारधारा अलग चल रही थी, गांधी की विचारधारा अलग चल रही थी, स्वराज पार्टी की विचारधारा अलग चल रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा अलग चल रही थी। कई विचारधाराओं ने मिल करके भारत को आज़ाद कराया। तो हम कभी भी किसी एक पार्टी को श्रेय ना दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। कभी भी आज भारत की आज़ादी में सबका योगदान था, कोई नहीं क्लेम कर सकता कि भारत की आज़ादी में मैंने, सब ने खून बहाया, सबका बराबर बलिदान है भारत की आज़ादी में, ठीक है। तो भारत की आज़ादी की कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मैं आपको भारत की आज़ादी की कहानी का कुछ हिस्सा आज बताऊँगा, कुछ हिस्सा मैं आपको बाद में बताऊँगा। सबसे पहली बात, भारतीयों को कब महसूस हुआ कि वो गुलाम है? कब हमें फील होना शुरू हुआ कि हम गुलाम है, कोई दूसरा आकर के हम पे? तो मैं पहले कांग्रेस से शुरू नहीं करता, मैं आपको शुरू करता हूँ भारत में राष्ट्रवाद के उदय को लेकर, क्योंकि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होने के कारण क्या रहे, क्या क्या रीज़न रहे कि जिससे भारतीय। सबसे पहले देखो, हमारे कुछ व्यक्तिगत हित होते हैं। 1857 की क्रांति में सब व्यक्तिगत हित थे। झांसी की रानी भारत के लिए नहीं लड़ रही थी, सिर्फ झांसी के लिए लड़ रही थी। मंगल पांडे इसलिए नहीं लड़ रहा था कि देश को एकीकृत कर दे। मंगल पांडे का बाद में आता है थीम। पहले तो वो अपने धर्म की रक्षा करना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि वो चर्बी लगी बंदूकों को, कारतूसों को अपने दांत से चीरे और अपने ब्राह्मणत्व को ख़त्म कर दे। एक मंगल पांडे ब्राह्मण था जाति का, तो कहीं ना कहीं पे व्यक्तिगत, पहले शुरुआत जो हुई अपने अपने व्यक्तिगत हितों को लेकर के हुई। हर वर्ग ने संघर्ष शुरू किया, जैसे बहुत सारे जनजाति आंदोलन हुए, जनजातियों ने अपने अधिकारों को लेकर के राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया। बहुत सारे जातियों के आंदोलन हुए, उन्होंने अपने अधिकारों को लेकर के शुरू किया। कृषक आंदोलन हुए, कृषकों ने अपने अधिकारों के लिए शुरू किया। तो जितने भी आंदोलन देखने को मिलते हैं सब अपने अपने हितों को लेकर, ठीक है। 1857 की क्रांति में पहली बार ऐसा लगा कि देश में एक बड़ा उबाल है, बड़ा आक्रोश है, बड़ी जगह पे, बड़े स्तर पे आंदोलन हुआ। हर क्षेत्रों के लोग खुन्नस खाए बैठे हुए थे, चाहे वो दिल्ली रहा हो, क्योंकि दिल्ली में बहादुर शाह की गद्दी जा चुकी थी, चाहे वो लखनऊ रहा हो, चाहे वो कानपुर का बिठूर वाला क्षेत्र रहा हो जहाँ नाना साहब थे, चाहे वो बिहार वाला क्षेत्र रहा हो, चाहे झांसी वाला क्षेत्र रहा हो, सब क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा, दक्षिण भारत तो शांत रहा, इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी भारत भी थोड़ा सा शांति रहा, लेकिन होलिस्टिक अप्रोच में 1857 क्रांति में भारतीय राष्ट्रवाद की झलक मिलती है। मंगल पांडे ने, जो कि अंग्रेजों पर बड़ा विश्वास पहले करता था, जब उसका विश्वास टूटा, जब उसका ये भ्रम टूटा कि अंग्रेज तो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, जब उसे बात समझ में आई, फिर उसने प्रण कर लिया कि मैं अकेले की लड़ाई नहीं लड़ रहा, अब मैं पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मुझे देश स्वतंत्र कराना है। फिर उनके अंदर भावना आई, विद्रोह कर दिया। सैन टुकड़ी काफ़ी समय तक विद्रोह के रूप में रही, बाद में बर्मा द्वारा सैन टुकड़ी मंगाकर अंग्रेजों ने उनको ख़त्म कर दिया। मंगल पांडे को आपने सुना ही होगा, उसको फांसी में चढ़ा दिया गया था। चलो वो अलग बात है। भारतीय राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शुरू होने के कारण, पहला कारण झलक 1857 के विद्रोह में दिखी, ठीक है। दूसरा, इस स्वरूप की बड़ी अभिव्यक्ति, बड़े स्तर पर अभिव्यक्ति 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से दिखी। भारतीय भी चाहते थे, ब्रिटिशर्स ने तो इसे बनाया, तरीका उनका चाहे कुछ भी हो, चाहे वो सेफ्टी वाल्व के लिए बना रहे हो, चाहे जिस लिए बना रहे हो, लेकिन जब ये बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो भारतीय भी चाहते थे कि उन्हें एक ऐसा मंच मिले जहां पर वो अपनी बातों को मुखर रूप से कह सके, अंग्रेजों तक पहुंचा सके। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक भूमिका देखने को मिलती है। इसके बाद जो है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है, अंग्रेजों द्वारा भारत का प्रशासनिक एकीकरण कर दिया गया, भारत को एक कर दिया इन्होंने, इसके कारण भी राष्ट्रवाद का उदय हो गया। समझ रहे हैं? सबको अभी एक ग्रुप बना दूं मैं, अभी आप अलग अलग रहो, मैं आपको बांट के रखूं, तो मैं आपके ऊपर राज कर पाऊंगा। यदि मैं आप सबको ऐसा कुछ कर दूं कि आप सब एक हो जाओ, तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दोगे, है ना,
अंग्रेजों ने अनचाहे में भारत को प्रशासनिक केंद्र करके भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म दे दिया। ठीक है, एक कारण तो ये भी था। और क्या कारण हुआ अंग्रेजों ने बहुत सारे सुधार कर दिए, धार्मिक सुधार कर दिए। पहले तो हम रूढ़ियों में ही फंसे थे, हम तो सती प्रथा कर रहे थे, हम तो क्या क्या नहीं कर रहे थे। इतनी निम्न कोटि की हमारी रूढ़ियाँ जो प्राचीन काल से चली आ रही थी, जिनको हम हमेशा लादे चले आ रहे थे, उन रूढ़ियों को इन्होंने खत्म कर दिया। इससे क्या हुआ, हमारे सामाजिक सुधार हुए। भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार के लिए बड़े बड़े लोग, प्रबुद्ध लोग आ गए। राजा राम मोहन राय आके खड़े हो गए, दयानंद सरस्वती आके खड़े हो गए, केशव चंद्र सेन आके खड़े हो गए, बाल गंगाधर, यहाँ पर विवेकानंद आके खड़े हो गए। बड़ी बड़ी संस्थाएँ बनने लगी जहाँ पर लोग गए, लोगों ने समझा किए, बहुदेववाद, इसके बाद अद्वैतवाद की बात हुई, एकेश्वरवाद की बात हुई, है ना। जो धार्मिक रूप से जो अलगाव था उसको एकता के सूत्र में पिरोने का काम भी शुरू हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत सिंपल और आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ कि भारत का धार्मिक रूप से जो धार्मिक सुधार हुए, उन्होंने भी भारत के आज़ादी को लेकर के हमें जागृत करने का काम किया। आगे चलते हैं। आज़ादी ऐसे नहीं मिली, आज़ादी के लिए बहुत सारे कारण हैं। दूसरा, हम शिक्षित होने लगे। अंग्रेजों ने अनचाहे में, देखो क्या हुआ, जो हमारे यहाँ का धनाढ्य वर्ग था, ब्रिटेन पढ़ने जाता था, है ना, ब्रिटेन पढ़ने जाता था, वहाँ देखता था अंग्रेज बड़े न्यायप्रिय लोग हैं, अपने यहाँ पे रूल ऑफ लॉ लगाए हुए हैं, कानून का शासन लगाए हुए हैं, बड़ा अच्छा शासन करते हैं। जब भी कोई होता, उनकी न्यायप्रियता के हम कायल हो गए ब्रिटेन में जा करके। लेकिन जब वापस लौट के हम पढ़कर वापस आए, यहाँ देखा तो यहाँ तो बड़ा बुरा हाल है, यहाँ तो ये यही है, इन्हीं का शासन है, लेकिन ये हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। तो जब ये इशू क्रिएट हुए तो फिर हमें लगा कि इनसे बात नहीं बनेगी, शासन अपने ही हाथ में लेना पड़ेगा, ये तो यहाँ पे शोषण कर रहे हैं। जब दादा भाई नेहरोजी की थ्योरी आज ही शुरू हो गई, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे पश्चात शिक्षा ने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन को जन्म दे दिया। हम शिक्षित हो गए, अपने अधिकार, शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों को जान जाता है और कुछ नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रबुद्ध भारतीयों और शक्तिशाली मध्यम वर्ग का उदय हो गया। प्रबुद्ध भारतीय कौन? वही राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, है ना, विवेकानंद, ऐसे ऐसे लोग आके खड़े हो गए कि इन्होंने चेतना का विस्तार कर दिया। समझ रहे हैं? और जब चेतना का विस्तार होता है तो जो आम लोग पड़े हुए हैं, जिनको मतलब ही नहीं इन सब, वो भी झकझोर जाते हैं। अभी इसकी छोटी सी झलक आपने देखा राष्ट्रवाद की, जैसे ही पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की बात आई, पूरा देश एक हो गया। समझ रहे हैं? मुद्दा क्या था? पुलवामा अटैक। तो कहीं ना कहीं पे जब राष्ट्रीय चेतना, अब फिर निष्क्रिय हो चुके हैं हम, समझ रहे हैं, फिर शांत, फिर सब ठंडा, बस्ते पे डाल दिया। तो ये लोग समय समय पर जगाते रहे, समझाते रहे लोगों को, पत्रिकाओं के माध्यम से, अपने उपदेशों के माध्यम से। इस कारण भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए लोग तैयार हुए। इसके अलावा अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीतियाँ हमें कुछ जगहों पर योगदान, कहीं पर हमारे पद थे, कहीं पर नहीं थे, थे भी तो निम्न कोटि के थे, हमेशा हमारी बेइज्जती की गई बड़ी हर जगह पर। तो ये बेइज्जती ने भी हमारे अंदर, जैसे इल्बर्ट विधेयक एक बेइज्जती थी बड़ी, जब हमें बराबर का अधिकार करने का मौका मिला, आपने विद्रोह कर दिया। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं भी विभिन्न विषयों पर भारतीयों को यह समझ में आया कि हमें बराबरी चाहिए, तो हमें अपनी सरकार, शासन सत्ता लानी होगी। इस कारण भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर के ये प्रारंभ किया गया। आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ, आगे और बढ़ते हैं। आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारत का प्रशासनिक एकता हुई। 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। राष्ट्रवाद से अभिप्रेत समाचार पत्र और पत्रिकाएँ छपने लगी। समझ रहे हैं? पत्र और पत्रिकाओं में राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसार किया जाने लगा। पत्र और पत्रिका, प्रिंटिंग प्रेस आ चुका था, प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए पुर्तगाली भारत में, और उसके बाद बड़े स्तर पर पत्र पत्रिकाएं। तीसरा, रेलवे का विकास, रेलवे के विकास ने हर जगह सुगम बना दिया। तार के विकास, डाक के विकास, इन सब विकासों ने, जैसे कोई विचार मुझे यहां से वहां पहुंचाना है एक सेकंड में चल, जैसे आज व्हाट्सएप ने क्या किया, कोई घटना घटी तुरंत आपने वीडियो बनाया, वायरल कर दिया, एक सेकंड में वायरल हो जाती है। यूट्यूब तुरंत वायरल हो गई चीज़ें। तो ये प्लेटफॉर्म उस रूप में थे, रेलवे एक प्लेटफॉर्म के रूप में था, जहाँ से राष्ट्रवादी अपने, यहाँ पे कोई आंदोलन हुआ, तुरंत उस विचार को पत्रिकाओं के माध्यम से दूसरी जगह पहुँचा दिया गया। तो ऐसे विभिन्न माध्यम से जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दे दिया। ठीक है, अब मुझे चर्चा, हम हमेशा, जब भी मैं आम तौर पे देखता हूँ, सिविल सर्विसेज में हो या किसी भी एग्जाम पे हो, बच्चा जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नाम सुनता है तो उसे सिर्फ एक संस्था समझ में आती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले बहुत सारी संस्थाएं थी। ठीक है, कौन कौन सी संस्थाएं थी, एक एक के बारे में मैं आज पोस्टमार्टम करेंगे एक एक संस्था का। ठीक है, पहली संस्था कौन सी है, पहले मैं नाम कुछ बता देता हूँ, फिर इसके बाद आपको। एक संस्था थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी,
ये पहली संस्था है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इसके बाद एक संस्था है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, एक संस्था है आपकी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, एक संस्था है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, एक है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, एक है आपका बॉम्बे एसोसिएशन, एक है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, एक है पूजनी पूना सार्वजनिक सभा, इसके बाद इंडिया लीग, इंडिया एसोसिएशन, ऐसी ये बहुत सारी संस्थाएं हैं जो राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले थी, काम कर रही थी भारत की आज़ादी को लेकर के। तरीका उद्देश्य वही था, तरीका थोड़ा सा कुछ अलग था। देखो शुरुआत में तो किसी को भी नहीं चलता, जैसे आज आप मुझसे मिलो या मैं आपसे मिल रहा हूँ आज, तो आपको नहीं पता चलेगा आदमी कैसा है। अंग्रेज जब शुरुआत में है तो हम समझ नहीं पाए इनको, उनकी मंशा नहीं समझ में आए, हमें लग रहा था ये तो हमारे सहयोगी हैं, ये इतना बढ़िया रूल ऑफ लॉ वहाँ चला रहे हैं तो यहाँ भी चलाएंगे, हम तो ये फील कर रहे थे। हमारे दिमाग में कभी भी ये विचार नहीं था कि अंग्रेजों के द्वारा हमें शोषित किया जाएगा, दबित किया जाएगा, ये हम कभी सोचे ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ओवरऑल यदि हम होलिस्टिक अप्रोच पर समझें तो ये संस्थाएं शुरुआत में देखा जाए तो अंग्रेजों की सहयोगी संस्थाएं थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी अंग्रेजों की सहयोगी संस्था के रूप में रही है, समझ रहे हैं? विरोधी तो बाद में बनी, बहुत सारे रीजन है जो विरोधी बना दिया उसको। अब समझते हैं एक एक करके, इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में बताऊंगा। देखो ये क्वेश्चन आयोग में लगातार पूछे जाए, आयोग खूब पूछता है इनको, भर भर के पूछता है। क्यों? ये सेक्शन आप डार्क फेज में रखते हो, कभी नेशनल मूवमेंट में इन सेक्शन को आप पढ़ के ही नहीं जाते हो। इंडिया लीग से क्वेश्चन आते हैं, है ना, एसोसिएशन से क्वेश्चन आते हैं, तो अब आपको एक एक बात को मेरी बड़ी गौर से सुनना है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, तनाव मुक्त होकर के बस सुनते जाना है। पहला है लैंड होल्डर सोसाइटी, एक संस्था है आपकी लैंड होल्डर सोसाइटी। इस संस्था की विशेषता क्या है? इस संस्था की विशेषता सबसे पहले ये प्रथम संस्था है जिसने राजनीतिक प्रयासों की मांग की। लैंड होल्डर सोसाइटी पहली संस्था है जिसने राजनीतिक प्रयासों की मांग की। बनी कब संस्था ये? ये बनी 1878 में, और इसका क्या रूल था, ये एक तरीके से समझिए जमींदारों के अधिकारों के लिए बनी थी संस्था, ठीक है। ये चाह रही थी कि ब्रिटिश सरकार जब भी मनमर्जी होती है उसकी, ब्रिटिश सरकार आती है और ज़मीन को ले लेती है, मुक्त जमीन ब्रिटिश सरकार द्वारा ना ली जाए, बकायदा जमीन का मुआवजा दिया जाए। अभी होता है सरकार को कोई ज़मीन चाहिए होता है डेवलपमेंट करने के लिए, सरकार उसका मुआवजा दे देती है, है ना। तो इनका मुख्य उद्देश्य था कि मुक्त भूमि के अधिग्रहण को बंद कर दिया जाए, अदालतों में बांग्ला भाषा का प्रचार प्रसार किया जाए। अदालतों में अभी भी देखते ना, हमारे यहाँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी भाषा चलती है, अभी भी भारतीय संविधान बन गया, हमने राजकीय भाषा का दर्जा हिंदी को दे दिया, लेकिन फिर भी यदि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहाँ पे इंग्लिश में ही सारा डायलॉग होता है, समझ रहे हैं? तो और अभी यहाँ पर भी ये लैंड होल्डर सोसाइटी ने कहा कि बांग्ला भाषा पे सारे कार्य होने चाहिए, ये इनकी एक डिमांड थी, बहुत सारी मांगे थी इनकी। अगली मांग थी अदालती खर्चों में कटौती होनी चाहिए, भारतीय श्रमिकों को मॉरिशस, देखो आज मॉरिशस भारत में भोजपुरी को क्या दर्जा है, है भोजपुरी को भारत में, मॉरिशस की राष्ट्रीय भाषा है, भारत में तो उसको शेड्यूल 8 में भी नहीं रखा गया, अनुसूची 8 में भी नहीं रखा गया। और आपको शायद पता हो मॉरिशस के राष्ट्रपति बिहार से, मॉरिशस टैक्स हेवन कंट्री है, भारत में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मॉरिशस से आता है, लेकिन आता कैसे, यहाँ से जाता है फिल्टर होके फिर वापस आ जाता है, वहाँ पे टैक्स फ्री कंट्री है मॉरिशस, शादी विवाह के बाद सब जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। तो लैंड होल्डर सोसाइटी है आपका, ये संस्था है, इसने इन्हीं सब कारों में काम किया। अब इसको को किसने शुरू किया, द्वारकानाथ टैगोर, नाम सुना होगा इनका, द्वारकानाथ टैगोर ने लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट संस्था है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना एडम्स नामक एक अंग्रेज ने की थी, एडम्स नामक एक अंग्रेज था, बाकी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है संस्था, क्योंकि आगे जाकर ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से मिल जाएगी, 1839 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसको ये संस्था एक तरीके से उच्च मध्यम वर्ग था, उच्च मध्यम वर्ग ने इस संस्था का विकास किया था, पहली बात ये। दूसरा क्या था इसमें, उच्च मध्यम वर्ग ने इस संस्था का विकास किया। दूसरी बात, इसमें अंग्रेज भी शामिल थे, कई अंग्रेज वर्ग भी इसमें ब्रिटिश बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी में थे। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज थॉमसन, इनका उद्देश्य था शांतिमय तरीके और कानूनी साधनों के द्वारा जनता में शांति और जनता की उन्नति का साधन प्रदान करना, किसानों के अधिकारों की मांग करना, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन करना, यही सब मांग ये संस्था कर रही थी कांग्रेस से पहले, ठीक है।
आगे नेक्स्ट एक संस्था है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, राधाकांत देव का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। पुनर्स्थापनावाद की स्थापना की थी इन्होंने। कोई बता सकता है पुनर्स्थापनावाद क्या है राधाकांत देव का? नहीं, पुनर्स्थापनावाद क्या है? पुरानी जो वो चाह रहे हैं आधुनिकता ना आए, पुरानी परंपरा को फिर से लगा दिया जाए, पुनर्स्थापना, फिर से उसकी पुनर्स्थापना कर दी जाए, राधाकांत देव। तो राधाकांत देव ने इस संस्था को डेवलप किया, इसका नाम था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। स्थापना राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर भी थे, राजेंद्रनाथ मित्र भी थे। कलकत्ता में ये स्थापना बनी थी। 1851 में लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल इंडिया सोसाइटी दोनों को विलय करके ये संस्था बनाई गई, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को, ठीक है। इसके बाद जो है इसका विलय 1852 में एक नई संस्था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। बंगाल में इस संस्था को भारतीय सभा के नाम से इसका नाम रखा हुआ था, बंगाल में इसका दूसरा नाम भारतीय सभा था। नेक्स्ट था मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में बना। 1852 में संस्थापक थे इसके गुजुल लक्ष्मी। इसके संस्थापक कौन थे? गुजुल लक्ष्मी। मद्रास नेटिव सोसाइटी कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गुजुल लक्ष्मी इसके संस्थापक थे 1852 में। 1857 का विद्रोह की इन्होंने निंदा की, फलतः इन्हें जन समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, मद्रास नेटिव के बाद पहुँचते हैं अगली संस्था, ये थी आपकी बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन बहुत प्रचलित संस्था, सब जानते हैं, दादा भाई नेहरूजी नाम तो सुना ही होगा आपने। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नेहरूजी ने की। प्रारंभ में 1857 के विद्रोह की निंदा की, और इसके बाद देखिए दादा भाई नेहरूजी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह की निंदा की। इन्होंने कहा कि विद्रोह व्यर्थ का विद्रोह है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अंग्रेजों का पक्ष लिया इसको लेकर के, और इस निंदा के कारण बॉम्बे एसोसिएशन को ज़्यादा जन समर्थन नहीं मिल पाया, ठीक है। और ये जो धीरे धीरे जो है बहुत सारे ये ब्रिटिश विरोधी, बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, जब देखा कि ब्रिटिशर्स इनका शोषण कर रहे हैं तो फिर ये भारत के पक्ष में आ गए, भारत ब्रिटिश अंग्रेज विरोधी हो गए। बाद में शुरुआत में थे लेकिन बाद में भारत के पक्ष में हो गए, ब्रिटिश विरोधी बन गए। अगली संस्था थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में। 1 दिसंबर 1866 में इसकी स्थापना दादा भाई नेहरूजी ने लंदन में की थी। उद्देश्य था ब्रिटिश जनपद तथा ब्रिटिश संसद में भारतीय समस्याओं को अवगत कराना। 22 मई को इसकी एक शाखा बंबई में भी स्थापित की गई, जिसके अध्यक्ष थे जमशेद जी टाटा। नाम जानते होंगे आप जमशेद जी टाटा का। एक है, नेक्स्ट है आपका पूना सार्वजनिक सभा। इनका तो एम जी रनाडे सबको जानता है, एम जी रनाडे ने इनकी स्थापना की। जी बी वासुदेव जोशी द्वारा 1870 में की गई। इस संस्था का उद्देश्य सरकार और जनता के बीच में मध्यस्थता स्थापित करना तथा जनता के अधिकारों के प्रति जागरूक करना, ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व की मांग करना तथा भारत की राजनीतिक व्यवस्था को विकसित करना। ये सब काम जो है इन संस्थाओं के द्वारा पहले से चलाया जाता रहा है। एक संस्था और है इंडिया लीग, 1875 में कलकत्ता में स्थापना हुई। स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष ने। कोई बताएगा शिशिर कुमार घोष ने कौन सी पत्रिका को निकाला था? संपादक किस पत्रिका के थे? अमृत बाजार पत्रिका, वेरी गुड। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष, उन्होंने ही, ये एक तरीके से क्रांतिकारी व्यक्ति थे, ठीक है। और इंडियन लीग की स्थापना इन्होंने की। इन्होंने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया, राजनीतिक शिक्षा प्रदान की। जुलाई 1876 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आपकी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा की गई। नेक्स्ट है आपका मद्रास महाजन सभा 1879 में। संस्थापक हैं एम बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चारलू। उद्देश्य क्या था? स्थानीय संगठनों और संस्था के कार्यों को समन्वित करना, ठीक है। अब देखिए, मैं सिंपल और आसान भाषा में आपको ये समझाना चाह रहा था, बताने का इसका उद्देश्य ये हुआ कि कांग्रेस से पहले बहुत सारी संस्थाएं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कार्यरत थीं, ठीक। कौन कौन सी संस्थाएं? जो मैंने आपको बताया, लैंड होल्डर्स सोसाइटी जमींदारी प्रथा के विरोध में थी, इसके जमींदारियों के पक्ष में थी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये सब कांग्रेस से पहले की संस्थाएं हैं। इनसे क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन पूछता है, ईयर पूछ लेगा, संस्थापक का नाम पूछ लेगा, कब स्थापित हुई ये पूछ लेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक दो बार इस वीडियो को आप रिवाइज करके देखेंगे आपको याद हो जाएंगे। मैंने समय अवधि बता दी है सबकी। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं मेन सेक्शन पे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय को लेकर के बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब आई?
है ना, कौन था इसका संस्थापक और क्या थे इसके कार्य, कितने चरणों में रही, हर चरण की क्या फीचर्स थे क्या फीचर्स नहीं थे। बहुत कम समय में आप पूरा नॉलेज अभी पा जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापना सब जानते हैं, ठीक है। कभी आप लोग बिपिन चंद्रा पढ़िएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो उसमें कहानी दी गई है, वो कहानी कितनी सत्य है प्रमाणिक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने पुट दिया उस कहानी का। ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम, सिविल सेवा में रिटायर्ड अधिकारी था, इसने जो है डफरिन से बात की, डफरिन को लेटर लिखा, फिर डफरिन ने लेटर ब्रिटेन लिखा, ठीक है। और फिर इन्होंने प्लान की एक ऐसी संस्था बनाते, एक ऐसा मंच, ये देखो कोई उद्देश्य नहीं है कि भारत के लिए कोई बड़ा मंच दे देना, उद्देश्य सिर्फ ये है कि अपने बचाव के लिए एक मंच क्रिएट कर देना, ठीक है। तो डफरिन ने, डफरिन के काल पे एओ ह्यूम ने इसको डेवलप किया, ठीक है। और पहले इसका नाम रखा जा रहा था भारतीय राष्ट्रीय संघ, क्या नाम था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। दादा भाई नरोजी ने कहा कि इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम मत रखो, इसका नाम रखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो उन्होंने जब सुझाव दिया तो उस सुझाव पे इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो शुरुआत में जब ये संस्था बनी तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से, हर राज्य से ये था कि कोई ना कोई सदस्य आए। इसकी पहली बैठक जो है 28 दिसंबर 1885 को हुई। कहाँ पे हुई, मुंबई में। पहले पूना में होनी थी लेकिन पूना में प्लेग हो गया, अकाल आ गया, तो मुंबई में आयोजित की गई, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को 12 बजे दिन में मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था, वहाँ पर WC बनर्जी अर्थात बेमेहोश चंद बनर्जी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 72 लोग इस संस्था के, जब शुरुआती इसका रिबन कट रहा था तो सब पहुँच गए, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे इसका विस्तार होगा, धीरे धीरे दूसरा अधिवेशन ले जाएंगे, पहले बंबई में हुआ, फिर कलकत्ता जाएंगे, कलकत्ता के बाद मद्रास में अधिवेशन होगा, फिर इलाहाबाद में अधिवेशन होगा, फिर हर साल अधिवेशन करते थे कांग्रेस के लोग, ठीक है। अधिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ अधिवेशन इंपॉर्टेंट है जिनकी हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। लाला लाजपत राय उसी समय, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है यंग इंडिया। यंग इंडिया बुक में लाला लाजपत राय ने ही सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया है। उन्होंने कहा कांग्रेस कुछ नहीं, सिर्फ एक सेफ्टी वॉल्व है। सेफ्टी वॉल्व मतलब समझते हैं, कुकर देखा है आपने, कुकर में एक सेफ्टी वॉल्व लगा होता है, कभी यदि उसकी सीटी ब्लॉकेज कर जाए तो बॉल फट जाएगा, कुकर नहीं फटेगा, बॉल फट जाएगा, आप बच जाएंगे, कुछ नहीं होगा। वैसे इन्होंने कहा कि यदि भारत में कभी बहुत बड़े विद्रोह होगा, चूंकि 1857 की क्रांति हो चुकी थी, तो इन्होंने कांग्रेस एक ऐसी संस्था बना ली है कि इसी को झोंक देंगे, उसमें इन्हीं के मत्थे सब गढ़ देंगे, तो एक सेफ्टी वॉल्व है और कुछ नहीं, लाल लाजपत राय ने कहा। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि एक तड़ित चालक है। तड़ित चालक समझते हैं क्या होता है, कभी आपने चिमनी वगैरह देखी हो तो चिमनी में एक त्रिशूल जैसी आकृति बनी होती है जिसका संपर्क होता है जमीन से, है ना। और जब तड़ित गिरता है यानी कि आसमान से विद्युत गिरती है तो तड़ित चालक उसको अपने ओर आकर्षित करके सीधा भूमि के नीचे ले जाता है। तो ये तड़ित चालक कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भारत में बड़ा विद्रोह होगा तो कांग्रेस को आगे कर देंगे और यही पूरा विद्रोह के आक्रोश को झेल लेगी। तो ऐसा गोपाल, ये कथन पूछे गए हैं इसलिए मैंने गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे तड़ित चालक का सिद्धांत दिया। इसके बाद अनिल सील एक पर्सन थे, उन्होंने कहा ये निहित स्वार्थों का षड्यंत्र था, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपस में स्वार्थ बटे हुए थे इसलिए कांग्रेस बना दी गई, बाकी इसमें कुछ होना नहीं है। इसके बाद और बड़े बड़े महापुरुष आए। एक महापुरुष हैं जिनका नाम है, अभी आगे इनकी बात करूंगा मैं, जिनका नाम है कर्जन डफरिन। इन्होंने क्या क्या कहा, पहले कुछ पक्ष में बात करते हैं। सबसे मान्य विचार है कि ये जो छोटी छोटी संस्थाएं थी ना, क्षेत्रीय संस्थाएं, इन सब का संगठित रूप है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। सबसे मान्य विचार क्या है, क्षेत्रीय संस्थाओं का विकसित रूप, ऐसे नहीं कांग्रेस आ गई, छोटी छोटी संस्थाओं ने मिलकर कांग्रेस बना दिया, ठीक है। इसके बाद एक विचार आता है रजनी पामदत्त का, इतिहासकार हैं, बहुत फेमस इतिहासकार है रजनी पामदत्त। इन्होंने कहा कि शिशु कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना थी, ये पहले से ही प्लानिंग करके रखे हुए थे कि एक ऐसा मंच बनाएंगे, रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक में लिखा, इंडिया टुडे इनकी पुस्तक है, ठीक है। इसके बाद एनी बेसेंट, एनी बेसेंट ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा हेतु 17 प्रमुख भारतीयों तथा ह्यूम द्वारा की गई। इन्होंने कहा कि भारत के पक्ष में है कांग्रेस, भारतीयों के हित के लिए बनाई गई है, एनी बेसेंट का यह विचार था। ये भी चूंकि आयरलैंड से ही थी लेकिन उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा काम किया है। इसके बाद डफरिन,
डफरिन कहते हैं, इसमें तो ज़्यादा लोग दिख ही नहीं रहे हैं, इसमें तो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व है। अरे आज ही पैदा हुई है, आज ही थोड़ा दौड़ने लगेगी, है ना, वो जब तक दौड़ेगी तब तक तुम निपट जाओगे। तो डफरिन के समय तो ज़्यादा लोग नहीं थे, बहुत कम वर्ग थे, मुस्लिम वर्ग नहीं से जुड़ा हुआ था उस समय। सर सैयद अहमद खान थे जिसके प्रबल विरोधी थे, है ना, तो बहुत सारे लोग इससे जुड़ाव नहीं रखते थे कांग्रेस से। दूसरा करजन, करजन के समय में सूरत फूट हो गई थी, बन गई स्थिति, बन गई थी गर्म पंथियों नरम पंथियों की विचारधाराओं में अंतर आ गया था। कब हुआ था करजन, कब था, मैंने अभी आप लोगों को पहले जो पिछला सेशन हमारा हुआ पिछले 1898 से 1905, ठीक है, 1899 से 1905, इस अवधि में करजन रहा। करजन ने जब देखा कि ये गर्मपंथी नरमपंथी दोनों लड़ रहे हैं और दोनों की विचारधाराएं अलग हैं, नरमपंथी कुछ और कर रहे हैं, गर्मपंथी कुछ और कर रहे हैं, तो उसने एक बहुत अच्छा सेंटेंस कहा। उसने कहा कि कांग्रेस अपनी मौत के लिए लड़खड़ा रही है, मरने वाली है, भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है, जो उसकी पूरी नहीं हो पाई, भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरते हुए देख सकूं। ये करजन ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस मेरे ही सामने निपट जाए, मर जाए, लेकिन हुआ नहीं, बाद में सब एक हो गए। नेक्स्ट करजन ने एक बात और कही कि कांग्रेस को गंदी चीज कहा, यह बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है और देशद्रोही संस्था है। तो बीजेपी जो है, यदि करजन अभी होते तो बीजेपी तुरंत सम्मिलित कर लेते, ठीक है, कांग्रेस को कहा है देशद्रोही संस्था है। करजन चाहता था कि कांग्रेस खत्म हो जाए, है ना। इसके बाद अश्विनी कुमार दत्त ने कहा है 3 दिनों का तमाशा है, आज सम्मेलन करते हैं, 3 दिन बढ़िया खाए पिए चाय पानी किए, इसके बाद गायब सब अपने घर। अभी आप खुद देखिए G20 शिखर सम्मेलन, G5, G7 क्या होता है, सब एक साथ मिले सारे देश, क्या हालचाल है, हालचाल ठीक है, घूम टहला इसी बहाने, अब मिल के फिर आके बैठ गए, बस बोल देते हैं पर्यावरण सुरक्षा की जाएगी, कौन करेगा ये नहीं बताते, और जो करेगा वो पीछे हट लेता है। पेरिस जलवायु समझौता था, जिसको करना था वही गायब, है ना। तो ऐसे ही उन्होंने कहा ये 3 दिनों का तमाशा है, बस ऐसे ही होता रहता है इनका, अश्विनी कुमार दत्त महोदय ने कहा। ऐसे ही विपिन चंद्र पाल, इन्होंने कहा कि कांग्रेस क्षमा याचना करने वाली संस्था, हमेशा गिड़गिड़ाती रहती है, बोलती रहती मुझे ये दे दो वो दे दो, कब तक मांगते रहोगे, तो इन्होंने कहा ये क्षमा याचना करने वाली संस्था है। वैसे ही अगले पर्सन है आपके दादा भाई नेहरोजी, अभी आगे इनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस के सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले हैं, कुछ नहीं, सब पढ़े लिखे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं एक मेले में और कुछ नहीं करते यहाँ पे। तो लाला, ये सब गर्मपंथी लोग हैं, गर्मपंथी गर्म बातें करेंगे ही, तो उस समय जो है गर्मपंथी लोगों का उबाल चढ़ा हुआ था, वो कह रहे थे खत्म कर दो, हमें अधिकार दो, हमें पावर दो, तो कांग्रेस जो है बड़ी बुरी स्थिति, ये सब बातें आई। इसके अलावा एक पर्सन है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हैं। अब देखो कांग्रेस के कुछ सम्मेलन देख लेते हैं। 1885 में पहला सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ था, बम्बई में, कौन थे, WC बनर्जी। दूसरा, तुरंत दूसरी प्रेसिडेंसी चलते हैं, दूसरी प्रेसिडेंसी है कोलकाता, कोलकाता में दूसरा सम्मेलन हुआ, कौन थे अध्यक्ष, दादाभाई नौरोजी। तीसरा, तीसरी प्रेसिडेंसी में चलते हैं, तीसरी प्रेसिडेंसी है मद्रास, तीसरा सम्मेलन तीसरी प्रेसिडेंसी में हुआ, बदरुद्दीन तैयब जी। जब बदरुद्दीन तैयब जी को पहला मुस्लिम अध्यक्ष बनाया गया तो सर सैयद अहमद खां गुस्सा हो गए, बोले इनको क्यों बना रहे हो, वो बोले मेरी मर्जी मैं बन रहा हूँ। तो सर सैयद अहमद खां ने इसका विद्रोह भी किया था। इसके बाद तीसरा इलाहाबाद में हुआ आपका, इलाहाबाद में 1888 में जॉर्ज यूल पहला अंग्रेज अध्यक्ष बना था, ठीक है। तो फिर 1917 का इम्पोर्टेंट है, 1917 का कोलकाता में हुआ था, जिसमें आपकी क्या नाम है, एनी बेसेंट को पहला महिला अध्यक्ष बनाया गया। कुछ ही पढ़ना है, बाकी सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखो कांग्रेस जब बनी तो 3 चरणों में विभाजित हो गई, 3 चरणों में विभाजित, मतलब इसके पूरे कार्यकाल को यदि आप पूरा एनालिसिस करेंगे देखेंगे तो 3 चरणों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला काल है 1885 से 1905 का काल, इसे बोलते हैं उदारवादी काल। दूसरा काल है 1905 से 1919 का काल, इसे बोलते हैं उग्रवादी काल। तीसरा काल है 1919 से 1947 तक, गांधीवादी काल। 3 कालों में पूरे कांग्रेस के इतिहास को देखा जाता है। पहले हम चलते हैं पहले काल पे। पहला काल है उदारवादी काल, कांग्रेस का उदारवादी काल, उदारवादी चरण। उदारवादी चरण में ये चाहते थे कि जो आंदोलन किया जाए अंग्रेजों से वो कानून के अंदर रह के, हम कानून हाथ में ना लें,
कानून के अंदर में रह करके ही सारे कार्य करना चाहते थे उदारवादी। अब उदारवादी नेता कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम आप जानते ही हैं, गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आप जानते ही हैं, दादा भाई नौरोजी का नाम जानते ही हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन सी संस्था बनाई? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, 1905 में एक संस्था बनाई। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बिमोहेश चंद बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, ये सारे लोग हैं जो उदारवादी नेता थे। अब ये क्या चाहते थे उदारवादी नेताओं की थीम क्या थी, इनके कार्यक्रम क्या थे? ये चाहते थे कि राष्ट्रवाद को पहले बढ़ावा दिया जाए, लोगों को बताया जाए कि भारत एक राष्ट्र है, क्षेत्रीयता खत्म की जाए। जैसे अभी देखो क्षेत्रीयता किस रूप में आ जाए, अभी मुझे लगने लगे मैं यूपी का हूँ, मैं बिहार का हूँ, मैं महाराष्ट्र का हूँ, मैं गुजरात का हूँ, ये गलत है, ये क्षेत्रीयता है। अपने जिलों को लेकर के हम लड़ने लग जाएं, क्या बात हो, कुछ नहीं होगा, हमें राष्ट्रीय होना पड़ेगा, एक विचारधारा, एक झंडे के तले खड़े होना है, वह है भारत का झंडा। वैसे ही ये चाहते थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे तले सबको राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए। पहला काम तो इन्होंने ये किया। दूसरा, भारत को राष्ट्र के रूप में संगठित किया जाए, पहले भारत को एक राष्ट्र बनाया जाए। भारत एक राष्ट्र था ही नहीं, छोटे छोटे कोई ब्रिटिश प्रांत अलग है, मराठे अलग है, मुगल सम्राट इधर, मुगल सम्राट तो खत्म हो गया 1857 के बाद, लेकिन तब भी राजपूताना अलग था, ग्वालियर में अलग अलग छोटी छोटी संस्थाएं थी, 552 से ज़्यादा देसी रियासतें थीं। तो ये चाहते थे कि भारत को एक संगठित राज्य, ये भी इनकी इच्छा थी। दूसरा, जनता को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। जनता को यदि आप राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित नहीं कर पाए और आपने उनको राष्ट्रवाद की भावना का विकास कर दिया, तो क्या दुष्परिणाम निकल सकते हैं? आज जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं, वहाँ पे अप्रशिक्षित लोगों को, राजनीतिक रूप से अप्रशिक्षित लोगों को आंदोलन हाथ में दे दिया गया है। और जब जनता को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित नहीं किया जाता और उसे आंदोलन में इंटर कर दिया जाता है, तो वहाँ पर जो युवा लोग होते हैं वो क्रांतिकारी बन जाते हैं, बम और पिस्तौल का सहारा लेते हैं। ये गलती हुई, कांग्रेस से भी हुई, उग्रवादी चरण में किसी को भी भर लिया गया, राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित नहीं किया गया, जिसके कारण से एक तबका तैयार हो गया बम और पिस्तौल वाला, क्रांतिकारियों का, उग्रवादी में राष्ट्रवाद, क्योंकि अब आपके अंदर चरम भावना है राष्ट्रवाद की। जैसे आप ही हैं, अभी मौका था पुलवामा अटैक में, तमाम लोग तैयार हो गए थे कि हमें भेज दो, आपको नहीं, इन सब से क्या हल हो जाएगा, क्योंकि आप प्रशिक्षित नहीं उस स्तर के, ठीक है। तो हमें पहले लोगों को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करना पड़ेगा, तब आंदोलन करना होगा। ये काम राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले चरण में करने का प्रयास किया कि लोगों को पहले बताना है अहिंसा का आंदोलन कैसे होते हैं। अब जैसे अन्ना का आंदोलन है, अन्ना के आंदोलन में मान लो हिंसा हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसे लोग पहुंच जाए जो उग्रवादी हो जाए, जो मांगों को पूरा ना करते, देख जो है हालत खराब। गांधी ने क्यों असहयोग वापस लिया 1922 में? क्योंकि गांधी को पता था कि जनता उग्र हो गई तो फिर बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अभी इन्होंने 22 लोगों को जला दिया वहां पर गोरखपुर में, अब तो पूरा देश में जलाएंगे, खुली छूट मिल जाएगी। गांधी ने एक सेकंड नहीं लगाया, पूरा आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है, क्योंकि उसे पता था कि आधे प्रशिक्षित हैं आधे अप्रशिक्षित हैं। प्रशिक्षित कितना होते हैं? एक बहुत कम लिमिट होती है उनकी। तो आप अप्रशिक्षित लोग जब हुआ करें तब वहां पर यह देखा जाता है, नहीं भीड़ में तब्दील होने में टाइम नहीं लगता। तो राष्ट्रीय कांग्रेस का एक प्रमुख कारण था जनता को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करना, ठीक है। अगला, औपनिवेशिक शासन की बुराइयों को बताना लोगों को कि औपनिवेशिक शासन कितना गंदा है, कितना शोषण करा। दादा भाई नौरोजी ने तभी एक पुस्तक लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें बताया देखो कितना पैसा ले जा रहे हैं, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एक काम ये भी इन्होंने किया, ये कौन है? उदारवादी चरण। अगला, औपनिवेशिक अर्थतंत्र की विवेचना करना, ये काम भी किया, रमेश कुमार दत्त का नाम आपने सुना होगा, नेहरूजी ने किया ही, और भी बहुत सारे थिंकर्स थे। इनकी मांगे क्या थी, क्या क्या चाहते थे? पहली बात, ये चाहते थे कि विधान परिषदें जो बनी है वहाँ पर भारतीयों को भी सदस्य बनाया जाए, उनका विस्तार किया जाए। दूसरी चीज, भारत परिषद जो ब्रिटेन में बनी हुई है, जो कि 1858 के समय बनाई गई थी, भारत सचिव बनाया गया था, उस पद को ख़त्म कर दिया जाए, भारत परिषद को भंग कर दिया, ये भी चाहते थे उदारवादी। ये चाहते थे कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणियों में भारतीयों को स्थान मिले, भारतीय भी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में बैठें, उदारवादी ये चाहते थे। ये चाहते थे कि सिविल सेवा में आयु सीमा में वृद्धि कर दी जाए और परीक्षा जो है भारत और इंग्लैंड दोनों जगह कराई जाए, ये भी ये चाहते थे, ठीक है, ये भी इनकी मांग थी। ये चाहते थे कि आधुनिक उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए तथा भारतीय उद्योगों को ब्रिटिश उद्योगों से सुरक्षा दी जाए, ये भी उदारवादी चाहते थे। लेकिन उदारवादी जो भी चाहते थे वो कानून के अंदर चाहते थे, कानून हाथ में नहीं लेना चाहते थे, वो चाहते थे संविधानिक सुधार हो जाए तो उसी के माध्यम से भारत का विकास हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने औद्योगिक तथा तकनीकी शिक्षा पर बल दिया,
तो बहुत सारे कार्यक्रम और बहुत सारी मांगे इनकी रहीं, लेकिन इनकी कुछ सीमाएं थीं। उदारवादी सफल क्यों नहीं हो पाए, उदारवादी आंदोलन क्यों अरुचिपूर्ण हो गया, क्यों? अंग्रेजों के स्वामी भक्त थे, अंग्रेजों के न्यायप्रियता पर विश्वास था, ये अंग्रेजों को गलत नहीं समझते थे, इनको लगता था कि अंग्रेजी शासन ही भारत में सुख समृद्धि लेकर आएगा, ये इनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है उदारवादियों की, इसी का फिर उग्रवादियों ने फायदा उठाया। तो ये क्या थे, अंग्रेजी राज्य में पूर्ण आस्था रखते थे, अंग्रेजों की न्यायप्रियता के कायल थे, औपनिवेशिक शासन का खुलकर विरोध नहीं करते थे, है ना, औपनिवेशिक शासन का ये खुल के विरोध नहीं करते थे। इसके बाद ये कानून के अंतर्गत आंदोलनों को करना उचित समझते थे कि कानून से बाहर नहीं होना चाहिए। इसके बाद जन आंदोलन नहीं हुआ इस समय एक भी, उदारवादी चरण में कोई जन आंदोलन नहीं हुआ, ये आंदोलन को बड़े छोटे लेवल तक ही सीमित रख पाए, इन्होंने जन आंदोलन नहीं किया, इन्होंने सशक्त राजनीतिक आंदोलन की नींव तो रख दी, यहीं से भारत में एक सशक्त राजनीतिक आंदोलन की नींव रख गई, ठीक है। और क्या क्या हुआ इनके समय में, राजनीतिक चेतना का उदय हुआ, इन्हीं के समय में 1886 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, 1892 में एक्ट आया जिसमें भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया, तो कुछ इनकी बेनिफिट्स हुए, इनकी बातें कुछ मानी गई लेकिन सारी नहीं मानी गई, जिसमें दुखी कौन हो गए, उग्रवादी। अब धीरे धीरे ऐसे ऐसे लोगों का कांग्रेस में प्रवेश होना शुरू हुआ जो इनकी विचारधारा से ताल्लुकात नहीं रखते थे, वो चाहते थे कि औपनिवेशिक शासन क्यों, हमारा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम पैदा हुए थे तो स्वतंत्र हुए थे, ये बाहरी हैं और हम इसे लेकर ही रहेंगे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, इनकी पॉलिसी उग्रवाद में आकर के खुल के शुरू हुई। तो अब कांग्रेस का दूसरा चरण चालू होता है 1905 से 1919 तक, इसे बोलते हैं उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण अचानक कैसे पैदा हो गया, क्या अचानक कोई घटना थी, अचानक नहीं थी, विश्व में बहुत सारी घटनाएं हो रही थी, विश्व में इसी समय मिस्र में, ईरान में, तुर्की में तथा रूस में, यूरोप में कई देशों में क्रांतिकारी और संघर्ष हो रहे थे, जैसे प्रथम विश्व युद्ध आपका शुरू हुआ 1914 में, लेकिन उससे पहले बाल्कन कंट्रियों की समस्या इसी समय हो रही थी, ठीक है, बाल्कन मैंने पढ़ाया, विश्व इतिहास में सारे टॉपिक पढ़ाए हैं, तो उससे इनको लग रहा था कि विद्रोह करना चाहिए, ठीक है, रसिया की समस्या, क्रीमिया युद्ध है ना, बहुत सारी चीज़ें थी, तो मिस्र, ईरान, तुर्की, यहाँ पे इनको प्रेरणा मिलने चालू हो गई उग्रवादियों को। दूसरा, दक्षिण अफ्रीका जैसे ब्रिटिश उपनिवेशों में नस्ली भेदभाव होता था और गांधी वहाँ पहुँच गए थे और गांधी ने वहाँ कोहराम मचा दिया था, गांधी अपनी छाप छोड़ना चालू कर चुके थे उस आंदोलन में दक्षिण अफ्रीका में। क्या किया गांधी ने, मैं आगे अभी बताऊंगा, दक्षिण अफ्रीका में गांधी के क्या कार्यक्रम रहे आज ही चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर गांधी पहुँच गए थे तो उनको था कि एक भारतीय वहाँ पर है डंडा लिए हुए, वहाँ काम कर रहा है, हम यहाँ कर सकते हैं, तो उससे भी इन्होंने प्रेरणा प्राप्त की। इन्होंने सिर्फ बहिष्कार ऐसा नहीं किया, बहिष्कार मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं, बहिष्कार ऐसी सभी चीज़ों का जो ब्रिटिशी से जुड़ी हों, उन सामाजिक संगठनों का भी बहिष्कार कर दिया जो विदेशी हों। तो उन्होंने बहिष्कार की रणनीति, स्वदेशी की रणनीति, हम अपने देश का ही उत्पादित करेंगे, इसी का ही प्रयोग करेंगे, बहिष्कार की रणनीति अपनाई, स्वदेशी की रणनीति अपनाई। इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम बनाए। अब देखो इस समय एक सबसे बड़ी भूमिका निकल कर आया लॉर्ड कर्जन, तानाशाह था, तानाशाही रवैया था, बंगाल विभाजन कर दिया है ना, तो कर्जन का तानाशाही रवैया, 1905 में बंगाल विभाजन, स्वायत्त शासन के सिद्धांत पर उसने चोट भी डाली क्योंकि उसने जो स्वायत्त स्थानीय शासन का एक एक्ट था उसे ख़त्म कर दिया। इसके बाद शिक्षा का केंद्रीकृत, बुड डिस्पैच के तहत शिक्षा का केंद्रीकरण कर दिया, सॉरी विश्वविद्यालय आयोग आया था, विश्वविद्यालय आयोग के तहत। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पर बहुत सारे कारण थे जिससे उग्रवादी आंदोलन को बल मिला। धीरे धीरे अब यहाँ पे एक चीज़ और थी, फिरोज शाह मेहता, उनकी डेथ हो चुकी थी, बहुत सारे उदारवादी नेता खत्म भी हो गए थे जिसके कारण से उनका बल भी कमज़ोर हो रहा था। इधर उग्रवादी नेता कांग्रेस में बढ़ रहे थे, उधर उदारवादी नेता खत्म हो रहे थे, समझ रहे हैं, तो इसके कारण भी उग्रवादियों को बल प्राप्त हुआ। अब उग्रवादियों ने किया क्या क्या, पहला उद्देश्य एक ही था, स्वराज्य प्राप्त करना, हमें अपना राज्य चाहिए, हमें आपका राज्य नहीं चाहिए, आप छोड़कर जाइए भारत, उग्रवादी, इसीलिए इनको उग्रवादी मतलब ये थोड़े नहीं कि बम विस्फोट करने लगे या कुछ करने लगे, इनकी मांगों में परिवर्तन आ गया। जहां अभी तक वो कांग्रेस
क्षमा याचना प्रार्थना संविधान के तहत काम करना चाहती थी, आज वही कांग्रेस करेगी भैया हमें पूरा आज़ाद कीजिए। समझ रहे हैं, उस कांग्रेस ने अपने आज़ादी के अधिकारों की बात कह दी। तो इसको बोलते हैं उग्रवाद। क्रांतिकारी अलग लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हथियार और हिंसा का सहारा लेंगे। तो यहाँ पर बहिष्कार, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम ये सारे विकसित किए गए। इसके अलावा यहाँ पर प्रमुख नेता कौन कौन थे, दो नेताओं के नाम याद रखे पहले तो, जिन्होंने इस आंदोलन को मजबूत बनाने का काम किया। पहले थे रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत काम किया। एक उन्होंने गीत लिखा था, एकला चलो रे एकला चलो रे, है ना, ये गीत बड़ा चला। एक उन्होंने अमार सुनार बांग्ला, आज वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है ना, उसको उसके माध्यम से। तो दो पर्सन थे, एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा अरविंदो घोष। इन दोनों ने क्या किया, इस आंदोलन को मजबूत बनाया, उग्रवादी आंदोलन को संगठित बनाया। लेकिन तीन लोगों ने इसको प्रचारित करना शुरू किया है। तीन लोग कौन थे, लाला लाजपत राय, बागदा तिलक और बिपिन चंद्रपाल। पंजाब में लाला लाजपत राय थे, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक थे और साउथ में बिपिन चंद्रपाल थे। ये तीन लोगों ने पूरे देश में इस आंदोलन को फैलाना चालू कर दिया, इन्होंने ज़्यादा इस पे कार्य किया। तो उग्रवादी आंदोलन धीरे धीरे डेवलप होना चालू हुआ। अब इनका उपलब्धियां क्या रही, इनका बेनिफिट क्या मिला। सबसे पहली चीज़, राष्ट्रीय आंदोलन में जुझारू तेवर आ गए। अभी तक हम अभी ये था कि हम सहते थे, अब सहना बंद, ठीक है। तो जुझारू तेवर देखने को मिले। मोदी जी कहते हैं ना, हमारे क्या कह रहे हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, अभी जो घटना हुई उन्होंने कहा कि चुन चुन कर एक एक का हिसाब लूँगा। तो यही है, ये चीज़ यहाँ पर आना शुरू हो गई। अभी तक ये था कि चलो बैठ जाएंगे, बात कर लेंगे, उससे बात हो जाएगी। अब ये है कि बात तो होगी ही, लेकिन आतंकवादियों को हम छोड़ेंगे नहीं, बहुत बात कर लिए, समय गया। तो एक जैसे अभी देखा जाए तो भारतीय विदेश नीति पर एक बड़ा चेंज आया। इंडियन अब आक्रामक हो गए। डोगलाम का मुद्दा देखिए, भारत पूरा चला गया, चाइना को पीछे हटना पड़ा। हम आक्रामक नहीं हो गए, हमारी विदेश नीति आक्रामक नहीं हो गई। पाकिस्तान वाले मुद्दे में यहाँ से अभिनंदन गया और दो दिन में वापस आ जाना, भारत सरकार ने बिना किसी नेगोशिएशन के उसे बुलाना, ये दिखाता नहीं है। थोड़ा सा पुलवामा अटैक, बड़ा एक हमला हुआ, तुरंत हम आक्रामक नीति पर आ गए। भारत बहुत आक्रामक नीति चल रही है इस समय इंडियन यदि आप इंटरनेशनल रिलेशंस को देखें तो। हमारा पूरा चेंज हो गया शिफ्टिंग, और मजबूरी भी है, ज़रूरी भी है। क्यों, पंचशील का समय गया। पंचशील हमारी अभी भी विचारधारा में है, लेकिन पंचशील के चक्कर में रहेंगे तो चाइना हमें खा जाएगा। पंचशील में ही खा गया था, है ना। तो इसलिए हमने वैसे ही कुछ समझिए कि कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी में अंतर इतना है कि यहाँ पे विचारधारा में परिवर्तन आ गया। ये कहने लगे कि अब इतना नहीं इतना चाहिए, जैसे कि एक बच्चा है ना, पहले चॉकलेट में खुश हो रहा हो, बाद में कहे कि पूरा पैकेट चाहिए। तो ये वही कंडीशन है, पहले चॉकलेट दे रहे थे उदारवादियों को, उग्रवादी कह रहे हैं पूरा पैकेट चाहिए। और ये तो ये भी कह रहे थे कि चॉकलेट की मशीन हम खुद लगाएंगे, ठीक है, हमारी होंगी, हम ही उत्पादित करेंगे। तो कुछ ऐसा था इनका मतलब, यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है, रवैया चेंज हो गया। आगे बढ़ते हैं, जन अब इन्होंने एक तो जुझारू तेवर दिया, दूसरा किया जनसाधारण में नवयुवकों को ले आए। नवयुवकों को ये पसंद होता है, गर्म खून होता है, आगे पीछे कोई होता नहीं है, है ना। तो क्या करते हैं, तुरंत नवयुवक भी आ गए। देश की आज़ादी में राष्ट्रवाद का विकास हुआ और नवयुवक कूद पड़े, जो कि बहुत ज़रूरी था। अगला, साम्राज्यवादी शासन के असली चेहरा को ले आए, खोल के रख दिया काला चिट्ठा कि देखो ये क्या कर रहे हैं, बांटो और राज करो की नीति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, देख लीजिए 50 चीज़ें लेकर हम दिखा रहे हैं आपको। तो असली चेहरा ले आए। ये राष्ट्रीय आंदोलन को लोगों तक पहुँचा दिया इन्होंने, जन आंदोलन बना दिया इसको। जैसे स्वदेशी मूवमेंट पूरे देश में चला बंगाल विभाजन के बाद, ये उग्रवादियों के द्वारा ही किया गया। तो ये काम अभी असफल क्यों हो गया, उग्रवादी भी असफल क्यों हो गया, देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, असफलता के कारण पूछ लेगा, उपलब्धियां पूछ लेगा। यही मैं जो 5-5, 6-6 पॉइंट दे रहा हूँ, इन्हीं पॉइंटों को आपको विस्तारित करना है बस, है ना। असफल होने के कारण, पहला कारण, जनता को बिना राजनीतिक प्रशिक्षण दिए जोड़ दिया। प्रशिक्षण तो दे देते भाई, आप राष्ट्रवाद की भावना गलत लोगों के अंदर डाल देंगे तो गलत माध्यम चुन लेंगे, है ना। माध्यम सही होना चाहिए। जैसे एक वो था पगलू, क्या नाम था उसका, जनरल डायर। जब हंटर कमीशन बना, जनरल डायर ने क्या किया सबको पता है, क्या किया उसने, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसकी देन है। देखा लोग इकट्ठा हैं, पहुंचा अपने सैनिकों को लेकर और बोला तब तक मारो जब तक गोली रहे, है ना, और लगभग 1000 लोग मार दिए गए पागल के कारण उसके। और जब हंटर कमीशन बैठा तो हंटर कमीशन ने क्या कहा,
हंटर कमीशन ने कहा कि जनरल और डायर की नीयत अच्छी थी, तरीका गलत था, गलत तरीके से सब काम कर दिया। नीयत तो थी ब्रिटिश सरकार के प्रति सहान श्रद्धा दिखाना, स्वामी भक्ति दिखाना। तो ऐसे पगलुओं को तैयार कर देंगे, ऐसे स्वामी भक्ति दिखाना शुरू कर देंगे तो आधे ज्यादा होंगे तो उड़ा ही डालेंगे, है ना। तो राजनीतिक प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है, आपको कैसे किस चीज को टैकल करना है ये बहुत जरूरी है। किसी को भी नहीं आप इंटर करा सकते इन सब चीजों पर। तो पहला इन्होंने क्या किया, अब इससे क्या हो गया, नाविकों में जुझारूपन तो आ गया लेकिन सही ढंग से उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाए। तो बम गोला उठा लिया उन्होंने, बंदूकें उठा ली उन्होंने, है ना। तो एक तरीका उन्हें ये मिल गया, पिस्तौल और बम की तरह पूरा हमारा देश का युवा मुड़ गया और बहुत हानि हुई। देखो युद्ध यदि देखा जाए तो हिंसा से जरूर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सब की है, लेकिन वो जिंदा होते यदि हम उन्हें अहिंसक रख सकते तो, वो मरते नहीं, आज़ादी के बाद भी वो रहते और इस आज़ादी को भोगते। गांधी यही समझाना चाहते थे, वो गलत नहीं थे, उनकी शहादत ने भारत को आज़ादी दिलाई, लेकिन वो जिंदा रहते यदि तरीका हम सही कर देते तो। बस ये गड़बड़ थोड़ा सा बस ये है, बाकी ओवरऑल उन्होंने जो किया उसका तो कुछ आप, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। असफलता का दो कारण ये महत्वपूर्ण इनके रहे, ठीक। अब नेक्स्ट एक आदमी आता है, एंट्री लेता है ना, वो था गांधी। अब गांधी बड़ा विख्यात हो गए थे, गांधी पहले तो साधारण व्यक्ति थे, मतलब नहीं था, बड़े कमज़ोर बदले दुबला एक बच्चा जिसको ना इंग्लिश आती थी, जो ना कभी किसी से बात कर पाता था ना कुछ पर कर पाता था। पिता की मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु के बाद पढ़ने के लिए इंग्लैंड किसी ने कहा कि चले जाइए, मित्रों के साथ इंग्लैंड गए, वहाँ पर लॉ की डिग्री ली, बहुत समय संघर्ष किया, धीरे धीरे इंग्लिश सीखी, सब कुछ किया, और एक लड़का जो धोती कुर्ते में रहता था वो हैट बूट सूट में आ गया। 24 साल की उम्र में एक निमंत्रण आया, अफ्रीका चले गए, डरबन चले गए, वहाँ पर केस लड़ने लगे, लेकिन धीरे से, अभी ये कौन था, ये मोहनदास था, ये गांधी नहीं था। गांधी तो तब बना जब वहाँ पर उनके साथ नस्ली भेदभाव करना शुरू किया गया। प्रथम क्लास के डिग्गे पर बैठे गांधी को जब अंग्रेजों ने ढकेला, तो जब गिरा था तब मोहनदास था, लेकिन जब खड़ा हुआ तो महात्मा गांधी बन के उभरा, और वहाँ पर नस्लीय भेदभाव को ख़त्म करने के लिए उसने आंदोलन चालू कर दिए। तो गांधी एक बहुत बड़े पुरोधा थे जिन्होंने भारत ही नहीं अफ्रीका में भी काम किया, शुरुआत अफ्रीका से ही किया, पहला प्रयोग वहीं से शुरू किया उन्होंने, टॉलस्टॉय फॉर्म बनाया, है ना। चलते हैं, देखते हैं गांधी पे आते हैं अब। तो भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का पदार्पण, ठीक, जन्म सब जानते हैं 2 अक्टूबर को हुआ, 150 साल मनाने वाले हैं इस साल हम, है ना, गांधी जी के 2019 में 2 अक्टूबर 1969, ये डेट याद रखिएगा 1969, ये अवधि है गांधी की। पोरबंदर गुजरात में हुआ, 24 साल की उम्र में 1893 में ये अफ्रीका गए। केस किसका था, केस था गुजराती व्यापारी था दादा अब्दुल्ला, उसका मुकदमा लड़ने गए, डरबन पहुँचे, गोरी सरकार द्वारा भारतीयों के साथ हो रहे नस्ली भेदभाव से दुखी हो गए, और दुखी होने के बाद 22 मई 1894 को नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की इन्होंने, ठीक है। पहली संस्था इन्होंने बताई गांधी ने, नटाल इंडियन कांग्रेस, अभी भारत नहीं आया, अभी भारत से पहले की है। 1906 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक एक साप्ताहिक पत्र निकाला, पत्रिका का संपादन किया, इसके प्रमुख संपादक मनसुख लाल सागर थे जो अवैतनिक रूप से काम कर रहे थे इस पे। इसके बाद 1909 में इन्होंने हिंद स्वराज एक पुस्तक निकाली, हिंद स्वराज पुस्तक में इन्होंने बताया कि देशों में औपनिवेशिक सत्ता तो बहुत सारे देशों को ग्रहण कर चुकी है, लेकिन अब हमें इसको, हमको इससे निजात पाना है, निजात का तरीका हथियार नहीं हो सकता है, हमें आत्मबल का सहारा लेना होगा, हमें सत्याग्रह का सहारा लेना होगा, हमें असहयोग का सहारा लेना पड़ेगा, हमें सविनय अवज्ञा का सहारा लेना पड़ेगा। सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह मतलब है कि यदि कोई चीज़ सही है सत्य है तो उसके प्रति तब तक टिके रहना जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए, इसे बोलते हैं सत्याग्रह। यदि सही है तो सही के साथ रहना, सही के साथ रहना ही सत्याग्रह है। तो गांधी ने सही का सहारा दिया, गांधी ने शोषण के खिलाफ सत्याग्रह की बात की कि सत्य के खिलाफ आग्रह कर लो। गांधी को लोग समझते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, उनको पता नहीं इससे बड़ा क्रांतिकारी आदमी नहीं कोई, बहुत क्रांतिकारी आदमी थे। जो आदमी ये बोल दे कि असहयोग कर दो, असहयोग कर दो, इस कानून को मत मानो, सविनय अवज्ञा कर दो, और बहुत चतुर आदमी थे गांधी, उनको पता था कि लाठी से ही काम चल पाएगा,
बंदूक की गोलियों से कुछ नहीं चलेगा, और लाठी से ही भगा दिया उन्होंने देश से, क्योंकि उनको पता था कि बंदूक का सहारा लूंगा तो एक ही गोली वो चलाएंगे, छलनी हो जाएगा सीना, सब मर जाएंगे। जो मैंने आपको बताई ना, क्रांतिकारी आज जिंदा होते यदि गांधीवादी तरीके को रखते, लेकिन उनकी मृत्यु का भी वो गए। अब भगत सिंह गए, बच्चा 21 साल में मर गया, क्या सोच रही होगी बताओ उसकी। कोई बच्चा 21 साल में अपने आप को डेथ कर लेता है, मार देता है, अपनी शादी नहीं करता, सब कुछ छोड़ देता है, घर बार, क्या सोच रही होगी, किसके लिए मर जी रहा था वो। हम तो आज आप लोग बैठे हुए हो अपने कैरियर के लिए कि कल के दिन पढ़ रहे हैं, कल के दिन जॉब मिल जाएगी, वो किसके लिए था, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, समझ रहे हैं। चलो एक अलग विषय वस्तु में मैं चला जाऊंगा, मैं क्रांतिकारी आंदोलनों में उनको लूंगा, मैं गांधी को पढ़ा रहा हूं। तो गांधी अब ये काम कर रहे थे अफ्रीका में, बहुत सारे काम उन्होंने अफ्रीका में किए, उन्होंने सत्याग्रह, आत्मबल, करुणा बल, स्वदेशी, इन पर बल दिया और इनके माध्यम से ही देश को आज़ाद कराने की बात कही। भारत में पदार्पण होता है, गांधी वहाँ से 7 जनवरी को बैठ गए थे, 9 जनवरी को पहुँचे, 9 जनवरी 1915 जब आए तो यहाँ पे होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था, गांधी आंदोलन का हिस्सा नहीं बने। गोखले से मिले, गोखले उनके राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। गोखले ने कहा पहले भारत देखो, पहले भारत की विविधता देखो, भारत का प्राकृतिक स्वरूप देखो, एक बार तुम भारत को सही से देख लोगे, भारत की मिट्टी को देख लोगे, भारत के गांव को देख लोगे, गांव में रहने वाले लोगों के दुख दर्द को देख लोगे, उसके बाद तुमको मुझे कुछ बताना नहीं पड़ेगा। गांधी ने 2 साल यही किया, पूरा भारत दर्शन किया, एक एक क्षेत्र गए, वहाँ की समस्याएँ समझी। उन्होंने शुरुआत में आते ही कुछ काम नहीं किया, पहले भारत को समझा, जब भारत की एक विविधीकृत छटा को देखा, भारत से लगाव हो गया, और उसके बाद गांधी आंदोलन में पदार्पण करते हैं चंपारण सत्याग्रह से। पहला प्रयोग उन्होंने भारत में आकर के चंपारण में किया। तो ओवरऑल गांधी जब भारत में आए, अब देखो इन्होंने अफ्रीका में कुछ संस्थाएं बनाई थी, उन संस्थाओं के बारे में भी मैं बता दूं। एक संस्था बनाई थी टॉलस्टॉय फॉर्म, जैसे यहाँ पर साबरमती आश्रम है ना, वैसे ही वहाँ पर भी एक गांधी आश्रम है, आज भी है, टॉलस्टॉय फॉर्म इन्होंने स्थापित किया था, ठीक है। भारत में जब आए, 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे, भारत का भ्रमण किया, प्रथम विश्वयुद्ध में ब्रिटिशर्स का सहयोग किया, अंग्रेजों का खूब साथ दिया, बोले कि टेंशन ना लो, मैं खूब भारतीयों को भेजता हूँ, और भारतीयों को आग्रह किया, इसलिए इनको बोला जाता है भर्ती करने वाला सर्जेंट, एक तरीके से सर्जेंट बन के रह गए थे, ठीक है। तो इन्होंने सहयोग किया, इनको ये लग रहा था कि अंग्रेजों को हम सहयोग करेंगे तो भारत के विकास का बात करेंगे, भारतीयों के हित की बात करेंगे, भारतीयों को अधिकार देंगे, उनको फंडामेंटल राइट देंगे, गांधी ऐसा सोच रहे थे, क्योंकि वो ब्रिटेन में देख के आए थे, लंदन में सब देख के आए थे, इसलिए यहाँ पर उन्होंने अंग्रेजों का, इसी कारण से उन्हें केसर हिंद की उपाधि भी ब्रिटिशर्स ने दे दी, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, प्रथम विश्वयुद्ध के बाद तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि रॉलेट एक्ट आ जाता है, अचानक से रॉलेट एक्ट लेकर के आ जाते हैं, रॉलेट एक्ट मतलब कि किसी को भी शक के आधार पर पकड़ लेंगे, उठा लेंगे और उसको जेल में बंद कर देंगे, कब तक बंद रखेंगे ये भी नहीं बताएंगे, मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करेंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन पढ़ा है आर्टिकल 22 भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में निवारक निरोध अधिनियम बने हुए हैं, निवारक निरोध अधिनियम कौन से हैं, जैसे कि आपका एक UAPA है, इस समय बड़ा चर्चा में रहा UAPA, जैसे कि टाडा बना था, जैसे कि पोटा बना था, जैसे MISA DIR बना था, MISA DIR कब था, 1975 में जब आंतरिक आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी सरकार द्वारा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, अभी क्या है, भारतीय सिक्योरिटी एक्ट है, भारतीय रक्षा अधिनियम है। तो ऐसे करके बहुत सारे एक्ट होते हैं जिनको निवारक निरोग अधिनियम होते हैं, यदि उस अधिनियम के तहत आप पे केस दर्ज कर दिया जाए तो 3 महीने तक आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अभी भी भारतीय सुरक्षा रासुका बोलते हैं ना, भारतीय सुरक्षा अधिनियम, भारतीय सुरक्षा कानून, रासुका लग गया तो बड़ी बुरा हाल हो जाती है, जैसे कि JNU का मुद्दा हुआ था तो रासुका लगा दिया गया था, किसके ऊपर, कन्हैया कुमार के ऊपर है ना, जिसके ऊपर रासुका लग गया तो फिर 3 महीने तक पुलिस कस्टडी में रखेगी, फिर कस्टडी में क्या करती है आप सबको पता है ना। तो ओवरऑल ऐसे ही कुछ रॉलेट एक्ट आया था तो गांधी विचलित हो गए, अरे ये क्या है, जलियांवाला बाग अलग से आ गया, उसमें और ज़्यादा उद्रवित हो गए, तो उनको लगा ये सब व्यर्थ था, मैंने बड़ी मेहनत कर डाली प्रथम विश्वयुद्ध में इनके साथ, इनको जिताने के लिए भारतीयों को भेज दिया, भारतीय शहीद हो गए, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक घटना हुई गांधी के साथ, इस घटना का नाम है चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह है ना, चंपारण सत्याग्रह एक तरीके से गोरे मकान मालिक थे,
बड़े बड़े बागानों को, चाय बागान क्षेत्र होते थे, नील बागान क्षेत्र होते थे, तो गोरे बागान मालिक जो थे, उनके मालिक होते थे, वो क्या करते थे, जो कृषक होते थे या फिर जो मजदूर होते थे, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते थे, और कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ये बोलते थे कि यहाँ पे यही फसल उगानी है, दूसरी फसल नहीं उगा सकते। तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था बिहार के चंपारण जिला में, जिसका नाम था तिनकठिया प्रथा। तिनकठिया प्रथा में यह था कि 3/20 हिस्से में आपको नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी ही पड़ेगी, और यदि नहीं करेंगे तो उसके लिए बड़े स्तर पर टैक्स लिया जाता था। तो किसान परेशान थे, खाद्यान्न जरूरतें तो पूरी नहीं हो पाती थी, नील की खेती में मिलता कुछ नहीं था उनको, है ना, यानी कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया था उन्होंने अपने हित के लिए। एक पर्सन थे, नाम आपको याद ही होगा, क्या नाम था उनका, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल गांधी से आकर मिले, उनको लगा कि ये व्यक्ति है जो मुझे, उन्होंने पहली बार गांधी को बोलते हुए देखा कांग्रेस सम्मेलन में, और उसके बाद गांधी से 1917 में ही आकर के मिले। गांधी के घर पहुंचे, गांधी ने उन्हें बैठाया, खिलाया पिलाया, और जब खिलाया पिलाया तो इसके बाद गांधी को बताया कि ऐसे ऐसी साहब दिक्कत है, निमंत्रित किया कि आइए एक बार चंपारण जरूर आइए। गांधी चंपारण गए, हुजूम मच गया, इतनी भीड़ रही, इतनी भीड़ स्टेशन में उन्हें जब लेने लोग आए, इतनी भीड़ थी, ब्रिटिशर्स के होश उड़ गए, ये कौन आ गया। उसी समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके साथ थे, है ना। तो चंपारण में गांधी ने भाई उसका विरोध किया, सत्याग्रह चालू किया, चंपारण सत्याग्रह चालू किया उन्होंने, और चंपारण सत्याग्रह का बेनिफिट ये मिला कि 1917 में चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाई गई, जिसके तहत तनखटिया प्रथा समाप्त कर दी गई, और किसानों को 25% का जो टैक्स उनसे अधिक वसूला गया था वो भी वापस कर दिया गया, और अवैध धन जो है वो वापस गांधी ने करा दिया। चंपारण उनका सफल रहा, चंपारण से वो हाइलाइटेड हो गए भारत में कि यार एक गया और इतने बड़ी मुद्दे को सुलझा दिया। इसके बाद दूसरा मुद्दा उनके पास आया, गांधी के पास, वो था खेड़ा, अब अहमदाबाद। अहमदाबाद में दिक्कत क्या थी, अहमदाबाद में सबसे बड़ी समस्या थी प्लेग फैल गया था वहाँ पे, और प्लेग फैल जाने के कारण से जो मजदूर होते थे उनको प्लेग बोनस मिलता था, प्लेग का बोनस मिलता था, मिल मालिक देते थे। लेकिन जब प्लेग का प्रभाव खत्म हो गया तो मिल मालिकों ने कहा कि उस बोनस को खत्म करना चाहा, जिसको लेकर मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दी। ठीक है, मुद्दा गांधी तक पहुंचा, गांधी पहुंचे। 1918 में अहमदाबाद में कॉटन टेक्सटाइल मिल थी, जिसके मिल मालिकों और मजदूरों ने प्लेग बोनस को लेकर विवाद किया। गांधी जी अनशन में पड़ गए, अनशन में लग गए, बोले 35% बोनस आपको देना ही पड़ेगा। और फिर इसके बाद गांधी की सुनी गई, गांधी यहाँ पर भी सफल हुए। अगला था खेड़ा सत्याग्रह, अगला नंबर गांधी का आता है खेड़ा सत्याग्रह का, 1918 में हुआ। 1918 में गुजरात में खेड़ा जिले में कृषकों की फसल को नष्ट हो जाने के बावजूद ब्रिटिश राज द्वारा उनके लगान नहीं दिए जाने के कारण से, देखो क्या हुआ, खेड़ा के किसानों की फसल नष्ट हो गई, अब किसान कहाँ से देगा लगान, जबरदस्ती लगान लोगे, घर से देगा, पेट काट के देगा, हाथ काट के दे देगा लगान के रूप में, होना भी तो चाहिए अनाज। गांधी तक बात गई, गांधी ने पहले बात तुरंत आदेश किया कि आप में से कोई भी लगान नहीं देगा, सबसे बड़ी बात ये। लेकिन अचानक गांधी को ये पता चला कि गुप्त सूत्रों से, जो सूत्र होते हैं ना, है ना, तो सूत्रों से पता चला कि इन्होंने ये निर्णय लिया है ब्रिटिश सरकार ने कि टैक्स उन्हीं से लिया जाएगा जो देने की जिनके पास क्षमता होगी, जो उनके पास नहीं उनसे नहीं लिया जाएगा। इससे खेड़ा सत्याग्रह भी समाप्त हो गया। तो 3 सत्याग्रह याद रखिए, चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, और इसके बाद एक बड़ा सत्याग्रह असहयोग। लेकिन असहयोग से पहले भी छोटे सत्याग्रह हैं, खिलाफत में भी गांधी थे, गांधी ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया, और रॉलेट सत्याग्रह में भी गांधी थे, रॉलेट सत्याग्रह भी गांधी का आया। ठीक है, अब ये दो घटनाएं आपकी हुई, खेड़ा, अब इसके बाद रॉलेट एक्ट आ गया। रॉलेट एक्ट वही, अब भैया पुरस्कार तो देना था प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को, पुरस्कार स्वरूप रॉलेट एक्ट मिला। रॉलेट एक्ट क्या था, क्रांतिकारियों के प्रभाव को कम करना था, क्रांतिकारियों और अराजकतावादी अधिनियम, इसका नाम था क्रांतिकारी तथा अराजकतावादी अधिनियम, इसी को बोलते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट सोडिनी रॉलेट इसके अध्यक्ष थे, इस कमेटी के। और इसके बाद जो है 18 मार्च 1919 को एक्ट पारित हुआ। इस विधेयक के तहत मजिस्ट्रेट किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था, कारागार में डाल सकता था, साथ ही उसे अनिश्चित काल के लिए कारागार में रख सकता था। इसमें कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं का कानून भी कहा जाता है। यानी कि मुझे लगा कि ये बंदा संलिप्त है, सीधा आपको उठाया जेल में डाला, कब तक पड़े रहोगे पता नहीं, वकील है नहीं,
दलील कर नहीं सकते, अपील कर नहीं सकते, पढ़ते रहो सड़ते रहो। तो बड़ा बड़ा अजीबो गरीब कानून था, गांधी इसको लेकर के क्षुब्ध हो गए और गांधी ने इसको लेकर के आंदोलन करना शुरू किया। गांधी जी ने इस एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया, हड़ताल करी, ठीक है। लेकिन तभी एक घटना घटती है जिसका नाम होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को एक घटना घटी। इस घटना में पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन कुचलू, दोनों को रोलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार किया गया, लोग विरोध करने लगे, जुलूस निकालने लगे। तभी 13 अप्रैल बैसाखी के दिन को सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए जलियांवाले बाग वाले क्षेत्र में। कभी पंजाब जाइएगा तो घूम के आ सकते हैं। और जब यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए तो जनरल ओडायर, उसको 10 तारीख को उसको पूरा पंजाब क्षेत्र का वो दे दिया गया था कि आपको आपके उसमें है ये एरिया, उसी को दिया गया था। जनरल डायर 13 अप्रैल को लोगों के साथ पहुंचा, अपने सेना के साथ पहुंचा और शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर ने 10 मिनट तक बिना चेतावनी दिए तब तक गोली चलाई जब तक सेना की गोली ख़त्म नहीं हो गई, ठीक है। एक बर्बर नरसंहार किया इसने। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कितने लोग मरे होंगे, 380 के आसपास लोगों को बताया गया, 389 एग्जैक्ट आंकड़ा था व्यक्ति मारे। जबकि यदि गैर सरकारी आंकड़े देखें जो बहुत सारी कमेटियां थी उन्होंने दिया, 1000 के आसपास लोग मारे गए इसमें, ठीक है। बहुत सारे लोग क्षुब्ध हो गए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी। टैगोर ने कहा यही समय है राष्ट्रभक्ति दिखाने का, अपनी अपनी उपाधियां वापस करो, तो नाइटहुड की उपाधि उन्होंने वापस कर दी। इसके बाद जो है इसी समय एक पर्सन थे जिनका नाम था शंकर राय नायर, ये वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे कार्य हुए। तभी एक कमेटी बनाई गई, हंटर कमेटी। हंटर कमेटी ने जले में नमक छिड़क दिया। जले में नमक कैसे, इन्होंने क्लीन चिट दे दी जनरल डायर को, बोला ये तो बड़ा नेक नियत से काम कर रहा था, बस तरीका गलत था, तरीका बंदूक वाला नहीं होना चाहिए। अरे तरीके पे ही तो उसको, है ना। तो कहीं ना कहीं पे बस यहाँ पे यह हंटर कमेटी 1 अक्टूबर 1919 को जलियांवाला इसके ऊपर बैठी और गड़बड़ कर दिया इन्होंने। इसके बाद जो है एक तहकीकात कमेटी बनाई गई। तहकीकात कमेटी कांग्रेस द्वारा बनाई गई और इसमें गांधी भी थे। तहकीकात कमेटी में कांग्रेस ने जलियांवाले बाग हत्याकांड के एक कमेटी गठित की। अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, पुपुल जयकर थे और अब्बास तैयब जी थे, ठीक है, और सीआर दास थे। ये सारे लोग उसके अध्यक्ष थे। इन्होंने देखा तो पूरी गलती जनरल डायर की पाई। बाद में ऊधम सिंह जाता है और जिस जनरल डायर को मारा वो ये जनरल डायर नहीं था, वो वहाँ का गवर्नर था पंजाब का। दो जनरल डायर थे, एक पंजाब का गवर्नर था, एक ये था, ये सैन्य अधिकारी था, ठीक है। जिसको ऊधम सिंह जी ने मारा वो पंजाब का गवर्नर था, ये वाला गवर्नर जनरल डायर नहीं था, वो डायर उसका भी नाम था, दो डायर थे, ठीक है, चलो अलग बात है। तो ये गांधी के ये आंदोलन आपके क्रम से होते रहे। तभी अचानक प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद एक घटना हो गई। तुर्की पर मित्र राष्ट्रों ने सेब्रे की संधि लगा दी। प्रथम विश्व युद्ध तो किसी को पता नहीं होगा, मैंने तो बताया विश्व इतिहास में, यहाँ पे पढ़ाया है, डिटेल से पढ़ाया है। तो प्रथम विश्व युद्ध मैंने बहुत आसानी से आपको समझाने का प्रयास किया था कि बालकन मुद्दों पर, है ना, ये पूरा प्रथम विश्व युद्ध हुआ, बाद में सारे देश जुड़ते गए, दो तरीके की ग्रुप बन गए, एक धुरी कंट्री थे, एक मित्र कंट्री थे, है ना। और तुर्की जो था आपका जर्मनी के साथ था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, इनका एक अलग गुट था। तुर्की लोग पराजित हो गए तो इनके ऊपर संधियां ला दी गई। सेब्रे के संधि के साथ तुर्की के सुल्तान के सभी अधिकार छीन लिए गए। तुर्की का सुल्तान उस समय संपूर्ण विश्व के लिए, क्या था, अगुआ था, इस्लाम धर्म का अगुआई करने वाला था और वो धार्मिक गुरु था। अब जब उनके धर्म गुरु को छोड़ेंगे तो विश्व में जहां जहां भी मुस्लिम थे उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए ताकि खिलाफत को बचाया जा सके, खलीफा के पद को बचाया जा सके, खलीफा के अधिकार खत्म कर दिए गए। उसी तर्ज पर भारत में भी क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया। देखो भारत के मुस्लिमों ने भी प्रथम विश्व युद्ध में सपोर्ट किया, मुस्लिम लीग ने भी प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सपोर्ट इसलिए किया था, और किसके खिलाफ किया, तुर्की देश अपने गुट के खिलाफ किया कि ये लोग मुस्लिम कानूनों को, मुस्लिम तौर तरीकों को इनको नहीं बदलेंगे कुछ भी। लेकिन उन्होंने गलत छेड़ दिया, अंग्रेजों ने जो बात हुई थी वो नहीं किया, इसको लेकर खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ।
गांधी एक्टिव हो गए। गांधी को लगा कि यही मौका है कि जब मैं हिंदू मुस्लिम को एक कर सकता हूँ। गांधी ने सभी एक मंच पर लाने का प्रयास किया और इस मुद्दे को लेकर के गांधी ने सबसे पहली चीज नेतृत्व किया। इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे? मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी, अबुल कलाम आज़ाद, ये प्रमुख नेता थे। सितंबर 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। इसके बाद 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने स्वयं की। 20 जून 1920 को इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी की सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और असहयोग आंदोलन को के साथ मर्ज कर दिया गया। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों एक साथ चले, ठीक है, बाद में एक ही मंच से दोनों आंदोलन चलते रहे, लेकिन कालांतर में जब असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया तो ये भी खत्म हो गया। फिर आगे चल करके तुर्की जनता ने मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में वहाँ पर खिलाफत ख़त्म ही कर दी। जब खिलाफा खलीफा का पद ही खत्म हो गया तो लड़ाई ख़त्म हो गई, मुद्दा ही ख़त्म हो गया, ठीक है। तुर्की की जनता ने खलीफा सुल्तानी को ख़त्म कर दिया, धर्मगुरु को ही ख़त्म कर दिया। ये सब विश्व इतिहास का टॉपिक है, जब मैं विश्व इतिहास का मास्टर वीडियो लाऊंगा तो उसमें सारी चीज़ें आप लोगों को बता दूंगा। चलो आगे, तो यहाँ पहुँच गए हम लोग कहाँ पर, खिलाफत आंदोलन। अब इसके बाद असहयोग आंदोलन का प्रारंभ होता है। असहयोग आंदोलन गांधी का चलाया गया एक अचूक अस्त्र। अचूक अस्त्र कैसे? पहला देश का सबसे बड़ा आंदोलन था जिसमें देश की सारी जनता लगी हुई थी। राष्ट्रव्यापी आंदोलन असहयोग आंदोलन रहा पहला। कारण बहुत सारे थे, कारण ये पृष्ठभूमि आप देख ही रहे हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, खिलाफत कानून, बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। गांधी का एक वक्तव्य है, उससे आप समझ जाएंगे कि गांधी क्या सोचते थे। गांधी ने सबसे पहली बात कही 1920 में असहयोग की कार्य हेतु एक कार्य दल की एक कलकत्ता में बैठक थी। उस बैठक में गांधी ने कहा कि ब्रिटिश सरकार शैतान है जिसके साथ सहयोग संभव ही नहीं है और ये कभी हमें हमारे अधिकार नहीं देंगे। गांधी के स्पष्ट शब्द थे, इसलिए अभी हमें अधिकार अपने छीनने पड़ेंगे और ये अधिकार हम असहयोग आंदोलन के माध्यम से छीनेंगे, जिसके कार्यक्रमों के माध्यम से छीनेंगे। अब क्या थे कार्यक्रम इसके, असहयोग आंदोलन में क्या क्या हुआ, इस चीज़ को समझते हैं। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रचनात्मक कार्यक्रम क्या हुए, और रचनात्मक कार्यक्रम हुए कुछ, इसके साथ साथ कुछ निषेधात्मक, कुछ निगेटिव हुआ कुछ पॉजिटिव हुआ। क्या निगेटिव था क्या पॉजिटिव था, दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूँ, एनी बेसेंट ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था और इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था इसी दिन। विपिन चंद्र पाल ने भी कांग्रेस छोड़ दिया था, असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। कई लोगों ने असहयोग आंदोलन का विरोध भी किया था, गांधी के इस बात से सहमत नहीं थे और उन्होंने कांग्रेस भी त्याग दी थी। एनी बेसेंट ने विरोध किया था इसको, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या कार्य हुए। पहले कार्य, सबसे चीज निषेधात्मक कार्यों को एक लिस्टिंग बता रहा हूँ, निषेधात्मक कार्य कौन कौन से हुए। पहला कार्य हुआ सरकारी उपाधियों को दे दिया गया, भाई अपनी अपनी उपाधि रख लो, जो जो उपाधि आपको दी गई है वापस कर दो। तो पहले सरकारी, गांधी ने भी अपनी कैसर हिंद की उपाधि, राय बहादुर, दुनिया भर की उपाधि सब वापस करना शुरू कर दिया। तो सरकारी उपाधियों को वापस किया गया, पहला कार्य असहयोग आंदोलन में। दूसरा कार्य, सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार। छात्रों से कहा गया कोई स्कूल नहीं जाएगा, जो विदेशी स्कूल हैं सरकारी स्कूलों में कोई नहीं जाएगा। तीसरा कार्य, सरकारी अदालतों का, वकीलों का दिया कोई भी अदालत नहीं जाएगा, अदालतों का बहिष्कार कर दिया गया। इसके बाद विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर दिया गया, जो विदेश से वस्त्र बन के आएगा उसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है, ये भी यहां पर किया गया। इसके बाद और क्या क्या किया गया, सबसे चीज जो विदेशी कानून थे, ब्रिटिश कानून थे, उनके ऊपर सविनय अवज्ञा, हम उन कानूनों को मानेंगे नहीं, उन कानूनों को नहीं माना गया। इसके बाद जो भी सरकारी कार्यक्रम और उत्सव आयोजित होते थे उनको भारतीय नहीं मनाएंगे, कोई भी सरकारी कार्यक्रम और उत्सव को भारतीय नहीं मनाएंगे, ये भी कार्य किया गया, ठीक है। इसके अलावा राजकीय सेवा, सरकारी सर्विसों से त्यागपत्र दे देंगे। तो ओवरऑल एक बड़े स्तर का बहिष्कार यहाँ पर देखने को हमें मिलता है निषेधात्मक कार्यक्रमों में असहयोग आंदोलन के। लेकिन बहुत सारे रचनात्मक कार्य हुए। रचनात्मक में क्या हुआ, पंचायतों की स्थापना की गई। भाई आप यदि उनकी सरकार नहीं मानेंगे, उनकी अदालत नहीं मानेंगे, तो आपको पंचायतें तो बनानी पड़ेंगी, वही तो न्याय निर्णय करेंगी। तो भारत में पंचायतों की स्थापना यहाँ शुरू हो जाती है असहयोग आंदोलन से, यह रचनात्मक कार्यक्रम में था। और क्या क्या हुआ, कांग्रेस के झंडे तले पूरा देश इकट्ठा होने लगा,
राष्ट्र की एकता का कार्य भी इसने किया। ठीक है, नेक्स्ट खादी का प्रयोग, वस्त्र जला दिया, सब कुछ कर दिया, पहनेंगे क्या, अपने वस्त्र बनाएंगे, खादी ग्रामोद्योग, तो खादी का प्रयोग शुरू हुआ। दलितों के उत्थान की बात की गई, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की गई, मद्यपान का बहिष्कार किया गया। अब महिलाएं थी, महिलाओं को आप जानते ही हैं, पति तो पी के है ना, तो उनको क्या है कि अब कैसे मनाए, पति को मार कहती हैं कि भैया मान जा, तो दो तरफ पेट और मारता है, तो उन्होंने क्या किया, बढ़िया मौका मिला उन्हें, वो विदेशी जितनी भी शराब शालाएँ थी वहाँ पर जा करके धरना देती थी, बंद करो दुकान, महिलाएं अग्रणी हो गई कि ये बंद कर देंगे तो हमारे पिएंगे नहीं पति, है ना, उस चक्कर में ये बहुत ज़्यादा ये भी सक्सेसफुल रहा। एक चीज़ और इसमें बड़ा अच्छी चीज़ बताता हूँ, असहयोग आंदोलन में एक चीज़ और हुआ, जैसे कि ब्रिटेन से चीनी आती थी, यहाँ से गन्ना जाता था, वहाँ से चीनी बन के आती थी, चीनी मिले बहुत कम थी देश में, तो यदि ब्रिटिश चीनी से प्रसाद बना होता था तो मंदिरों में महंत प्रसाद नहीं देते थे ना लेते थे, लोग नहीं लेते थे, बोलते थे किसका प्रसाद है, अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि पहचानते कैसे थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, रचनात्मक कार्यों में मद्यपान का बहिष्कार किया गया, स्वदेशी शिक्षण संस्थानों का विकास किया गया, देश में शिक्षण संस्थाएं बनाई गई, भाई बच्चों को आप कह रहे हो कि उनके स्कूलों में ना जाओ, तो उनके स्कूलों में ना जाओ तो स्कूल खोलो, तो स्कूल खोले गए बहुत सारे, तो स्वदेशी शिक्षण संस्थान बने, मतलब हम लोग असहयोग आंदोलन में बहुत सारे ऐसे चीज़ें सीख गए जो आत्मनिर्भरता के पोषक बन गए, आगे चल करके हम आत्मनिर्भर बनने लगे इस आंदोलन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जैसे आपके पिताजी चार दिन आपको पैसा ना दें तो पाँचवें दिन कहीं ना कहीं से जुगाड़ आप करोगे, चाहे चोरी करोगे, चाहे डकैती डालोगे, या हो सकता है ना एक और तरीका अपना लो, चोरी डकैती किसी और की नहीं करोगे, पिताजी की ही करोगे। नेक्स्ट असहयोग आंदोलन का अगला, असहयोग आंदोलन में क्या क्या हुआ, इसका उद्देश्य क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया था, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, इस अवसर पर उन्होंने एक वर्ष के अंदर स्वराज्य प्राप्त करने की घोषणा कर दी, गांधी ने कहा एक साल के अंदर पूरे देश में स्वराज्य प्राप्त करना है, लेकिन बहुत बड़ी आंदोलन चल रहा था, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां भी की गई, लेकिन लोग बढ़ चढ़ के चल रहे थे, लेकिन नज़र लग गई, नज़र अपने ही लोगों की लग गई, है ना, गड़बड़ क्या हो गया, चौरा चौरी घटना हो गई, 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश, यहाँ के लोग है ना, गोरखपुर में चौरी चौरी नामक स्थान पर कृषकों के जुलूस पर गोली चला दी, कृषक जुलूस निकाल रहे थे शांतिपूर्वक, तो पुलिस वालों को जानते ही है, बंदूक मिली तो मौका मिल गया चलाने को, छुटाई लिए, बंदूक चलाए, उसके चक्कर में 22 मर गए, तो इन्होंने गोली चला दी, भीड़ गुस्सा हो गई और भीड़ ने पुलिस थाने में सबको बंद किया, बाहर से पेट्रोल लगा के आग लगा दी, सब जल गए एक साथ, 22 के 22 गांधी दुखी हो गए, गांधी ने तुरंत 22 फरवरी 1922 को बुलाया गया बारदोली प्रस्ताव, और बारदोली प्रस्ताव में सीधा असहयोग आंदोलन को ख़त्म कर दिया गया, गांधी जी ने किसानों से ये भी कहा कि भैया टैक्स भी दो, बहुत हो गया, बहुत समय से बैठे थे, गांधी ने ये भी कहा था इस आंदोलन में ये ख़त्म करने के बाद कि आपको टैक्स देना चाहिए सरकार को। ठीक है, तो गांधी ने यहाँ पर टैक्स और टैक्स देने की और लगान देने की अपील भी की थी। मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्षों की सज़ा सुना दी गई, लेकिन गांधी बीमार पड़ गए, बीमारी के कारण पहले उनको रिहा कर दिया गया। इसके बाद असहयोग आंदोलन के स्थगित हो जाने से खिलाफत आंदोलन भी कमजोर पड़ गया। तो ये था असहयोग आंदोलन का एक पक्ष, समझ में आ रहा है कि मैं ही समझ रहा हूं? मैं समझ पा रहा हूँ, देखो ये ऐसे नहीं होता है मास्टर वीडियो, इसमें बड़ा मास्टर आदमी भी चाहिए और समझने वाले भी मास्टर होने चाहिए, है ना, ऐसे नहीं होता कि आपको कम समय में इतनी जानकारी दे दूँ। आगे बढ़ूँ, अभी आगे, अब देखिए ख़त्म ही हो रहा है, बस टेंशन ना लीजिए, ठीक है, समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बंगाल विभाजन, देखो आप लोगों के लिए मैं बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूँ, यदि आप इस काम को सही से यूटिलाइज करेंगे ना बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 में, बंगाल विभाजन 1905 की घटना है, किसकी दिमाग की खुराफात थी, लॉर्ड कर्जन के खुराफाती दिमाग के इस आदमी ने एक काम किया। बंगाल एक बड़ी प्रेसिडेंसी थी, बड़ी नहीं सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी, यहाँ पर 7.89 करोड़ जनसंख्या थी, उड़ीसा और बिहार भी इसका हिस्सा थे, लेकिन तत्कालीन गवर्नर कर्जन ने प्रशासनिक असुविधा को बोला कि ये प्रशासनिक असुविधा के कारण, इसको दो भागों में बांट दूंगा प्रशासन, है ना, तो प्रशासनिक असुविधा का कारण बताते हुए इसको दो भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव बताया। ठीक है,
लेकिन वास्तविक कारण क्या था? वास्तविक कारण देखो, सिंपल और आसान भाषा में वास्तविक कारण क्या था? बंगाल राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बन चुका था। बंगाल से ही बड़ी बड़ी पत्रिकाएं निकल रही थी, बंगाल से ही बड़े बड़े जितने भी धार्मिक सुधार आंदोलन वहीं से चल रहे थे। तो ये चाहते थे कि यदि इनको तोड़ दिया जाए तो भारत में हमारा समय और लंबा चल सकता है, ठीक है। तो बंगाल विभाजन में उन्होंने पॉलिटिक्स खेली। पॉलिटिक्स क्या करी? बंगाल को दो भागों में ऐसा विभाजित किया गया कि पूर्वी बंगाल वाले क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, मुस्लिम बहुल आबादी हो गई, और पश्चिमी बंगाल में बंगला बोलने वाले भाषाई अल्पसंख्यक हो गए। एक जगह धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक कर दिया पूरी आबादी को, एक जगह भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक कर दिया। ये पूरी पॉलिटिक्स थी करजन की। तो करजन जो है बोल रहा था प्रशासनिक असुविधा, प्रशासनिक असुविधा ये नहीं था कारण, वास्तविक कारण था राजनीतिक, ठीक है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्रबिंदु था और बंगालियों में प्रबल राजनीतिक जागृति थी, जिसे कुचलने के लिए करजन इन्हें बांटना चाहता था। इस विभाजन का एक उद्देश्य हिंदू मुस्लिम के बीच अविश्वास पैदा करना था। अल्पसंख्यक बना दो, अविश्वास पैदा कर दो, आपस में भिड़ेंगे, मरेंगे, आपस में ही ये चौपट हो जाएंगे, कभी एक नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी उसकी पॉलिसी थी। तो और ये चीज़ हम आगे देखते हैं, जब इस समय कौन था भारत सचिव, ये क्वेश्चन भी आया है कि जब बंगाल विभाजन हो रहा था उस समय ब्रिटेन में भारत सचिव कौन था? तो भारत सचिव था लॉर्ड रिजले। लॉर्ड रिजले इस समय भारत सचिव था। तीन डेट याद रखिए, तीन डेट बता रहा हूँ बंगाल विभाजन में, तीनों पूछी जाती हैं। पहली डेट विभाजन के निर्णय की तिथि, विभाजन का निर्णय लेना था कि विभाजन करना है, पक्का करना है। विभाजन के निर्णय की तिथि 20 जुलाई 1905 को लिया गया। इसके बाद विभाजन में विरोध में आंदोलन प्रारंभ, जैसे ये निर्णय की तिथि आई वैसे ही भारतीयों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में विरोध चालू हो गया। 7 अगस्त 1905 को भारतीयों ने विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है। और इसको लागू कब किया गया विभाजन को? 16 अक्टूबर 1905, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ था, ठीक है। विभाजन के विरोध में उदारवादी कांग्रेस नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। एक आंदोलन चला बकायदा जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आंदोलन आगे जाकर के असहयोग आंदोलन का आधार बनता है, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन में पहला काम, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया कि पूरे बंगाल में राखी दिवस मनाया जाए। सब ने एक दूसरे को राखी बांधी, ठीक है, भाई बहन वाली राखी नहीं, हिंदू मुस्लिम के मध्य जो है राखी बांधी गई ताकि राष्ट्रीय एकता को बरकरार रखा, एक संदेश जाए उनको। तो 16 अक्टूबर को जिस दिन जो है इसको शोक दिवस के रूप में मनाया गया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया कि पूरे बंगाल में राखी दिवस के रूप में मनाया जाए, एकता की भावना हेतु यह कार्य किया गया। देश में स्वदेशी आंदोलन में भी यह घटना हुई कि जो भी विदेशी चीज़ें थीं उनका बहिष्कार करना था। विदेशी विद्यालयों का, विदेशी कपड़ों की होली जलानी थी, सब विदेशी, यहाँ तक कि विदेशी चीनी से बने प्रसाद की भी, है ना। विदेशी महिलाओं ने विदेशी चूड़ियाँ पहनना बंद कर दिया, धागे पहनने लगी, मतलब स्वदेशी आंदोलन में बड़े स्तर पर। तो यहाँ पर क्या क्या हुआ, विदेशी चूड़ियाँ, विदेशी बर्तन, विदेशी उत्पाद का, ये सब चीज़ों के माध्यम से अंग्रेज़ों को बैकफुट में लाने का काम किया, उनके हमने अर्थव्यवस्था को ही चौपट करने का काम किया। तो विदेशी बहिष्कार बड़ा प्रोग्राम था स्वदेशी आंदोलन का। दूसरा, तिलक ने बहुत सारे कार्यक्रम किए, जैसे गणपति महोत्सव। गणपति महोत्सव क्या है? लोगों को इकट्ठा करने का। देखो आज के समय में जितने भी हमारे तिथि त्यौहार हैं, ये तिथि त्यौहार इसलिए नहीं है कि हम लोग एक साथ हो जाते हैं तिथि त्यौहारों में। अब जैसे होली आएगा, होली आने पे हम सब एक हो जाएंगे, जाएंगे एक दूसरे से मिलने, उठने, बैठने, बाकी छोड़ दो, बाकी क्या प्रोस्पेक्टिव था वो साइड पे रखते हैं, कि असत्य की सत्य पे, ये सब साइड पे रखते हैं। लेकिन तब भी ईद है, ईद में कुछ नहीं, सब लोग एक दूसरे के गले मिलने जाते हैं, घर घर जाते हैं, तो एक एकता की भावना, हमारे तिथि त्यौहार सब एकता की भावना है। ऐसे ही इन्होंने दो प्रोग्राम चालू किए, एक तो गणपति महोत्सव, आज देखते हैं गणपति महोत्सव किस बड़े स्तर पर मनाया जाता है भारत में, इन्हीं की देन थी, ठीक है। गणेश चतुर्थी, शिवाजी जयंती मनाना शुरू किया इसी टाइम पे तिलक ने, रामदास महोत्सव शुरू किया गया, ठीक है। तो तिलक ने इन माध्यमों से इस स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का काम किया। इसी दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा अमार सुनार बांग्ला, एकला चलोरों के गीत का नारा दिया गया। इस समय एक संस्था थी जिसका नाम था स्वदेश बांधव समिति। स्वदेश बांधव समिति ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन में नेतृत्व की कमी करता थे दिल्ली में सैयद हैदर थे। इसके बाद नेक्स्ट थे आपके पंजाब में, अलग अलग हैं, दिल्ली में थे
सैयद हैदर, इसके बाद पंजाब वाले क्षेत्र में लाला लाजपत राय थे, मद्रास वाले में चिदंबरम पिल्ले थे। यही चिदंबरम पिल्ले बिपिन चंद्रपाल है। बिपिन चंद्रपाल का दूसरा नाम चिदंबरम पिल्ले है, ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह, स्वामी श्रद्धानंद, जयपाल, गंगाराम, इस तरीके के लोग ये सब जो है लगे हुए थे। इसके बाद ये हो गया आपका बंगाल विभाजन की घटना। करजन की एक सोच थी, चली भी, आगे जा करके उसको ख़त्म कर दिया गया 1911 में, जब दिल्ली दरबार आयोजित होगा, जॉर्ज पंचम आएंगे, जॉर्ज पंचम बंगाल विभाजन को रद्द कर देते हैं, लेकिन बंगाल, बिहार और उड़ीसा को एक नया राष्ट्र प्रांत बना देंगे, दिल्ली को नई राजधानी। इसी समय एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई? सूरत फूट, आपस में ही भिड़ गए, है ना, देश की आज़ादी के लिए निकले थे, आपस में कुछ मुद्दा हो गया। मुद्दा था अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के। क्या था मुद्दा, समझते हैं। देखिए क्या हुआ, सूरत विभाजन का तत्कालिक कारण था अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के मुद्दा। पहली बात, उदारवादी जो नेता थे, उदारवादी जो पंथ थे, उदारवादी नेता थे, वो चाहते थे रास बिहारी बोस नेता बने, जबकि उग्रवादी चाहते कि बाल गंगाधर तिलक नेता बने, यदि तिलक नहीं बने तो लाला लाजपत राय बने, वो उग्रवादियों को चाहते थे। और इस मुद्दे को लेकर के गड़बड़ हो गया। इस मुद्दे को गड़बड़ ये हो गया कि इनका कहना था, उग्रवादियों का कहना था कि स्वराज के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, बहिष्कार की बात होनी चाहिए, राष्ट्रवादी शिक्षा की बात होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे गारंटी हमें मिलनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे चर्चा होगी इस कांग्रेस सम्मेलन पे। लेकिन इन पे चर्चा नहीं हुई, मालवीय जी ने इन्हें अस्वीकार कर दिया। स्वागत कमेटी बनाई गई थी, मालवीय जी उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। फिर क्या होना था, ऐसे में दोनों पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई। अब कैसे कैसे पीटे गए होंगे ये आप एज्यूम कर सकते हो। परिणाम स्वरूप कांग्रेस का विभाजन हो गया। सूरत भीड़ कुछ नहीं, अध्यक्ष चुनाव को लेकर के बात शुरू हुई, इसके बाद अपने अपने मुद्दों को लेकर के हुई। उदारवादी चाहते थे कि वही धर्रा चलता रहे, उग्रवादी चाहते थे कि नहीं, अब तरीका बदला जाए, बस उस तरीके को बदलने को लेकर के आपस में गड़बड़ हो गई। अब विभाजन हो गया, तलाक आपस में, गर्म पंथी अलग और नरम पंथी अलग। अब एक पर्सन आया जो बीच में इकट्ठा, दरअसल इसी समय बाल गंगाधर तिलक को भेज दिया गया कहीं और, कहाँ, मांडले जेल, बर्मा भेज दिया गया। तिलक लौट के आए, लौट के आए तो घूमते रहे धोखे, कुछ काम वाम है नहीं, है ना। उन्होंने कहा कि अब कुछ करना चाहिए, देश की आज़ादी के लिए हमें एक राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ करना चाहिए। उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन कुछ नहीं था, बागद तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने इसको शुरू किया था। आयरलैंड की तर्ज पर ही देश में राष्ट्रीय आंदोलन बनाना चाहते थे। ये चाहते थे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर ही भारत में भी स्वशासन की स्थापना हो जाए। तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में, देखो दोनों का अलग अलग एरिया है, तिलक का जो होम रूल है वो अलग है, एनी बेसेंट का होम रूल अलग है, दोनों के एरिया अलग हैं, दोनों के नेता अलग हैं, तरीका सेम है, उद्देश्य एक ही है। वो चाहते थे कि भारत को उपनिवेशिक शासन मिल जाए, ऑस्ट्रेलिया की तरह हमें उपनिवेश बना के छोड़ दें, शासन हम अपने ऊपर करें, बाकी आप बस ऊपर से निगरानी करते रहें, कनाडा की तरह हमें छोड़ दें, है ना। तो ये होम रूल मतलब होम रूल, हमारा शासन होगा, हमारा घर है तो हमारा शासन। तो आयरलैंड के तर्ज पर ये प्रारंभ किया गया। अब यहाँ पर आगे हम लोग तिलक का देखते हैं। तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की। पहली बात, कार्यक्षेत्र क्या था इसका, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत तथा बरार का क्षेत्र, ये इसका कार्यक्षेत्र था। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। कहाँ से की, एनी बेसेंट का हुआ है सितंबर में, तिलक का हुआ है अप्रैल में, 1916 में ही दोनों हुए। तिलक ने पहले अपना होम रूल स्थापित किया है, जगह क्या था, कर्नाटक, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का बंबई वाला क्षेत्र छोड़ दीजिए, बाकी मध्य प्रांत और बरार वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र था तिलक का। बाकी एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में प्रारंभ किया होम रूल की स्थापना, मद्रास से की, कार्यक्षेत्र था तिलक वाले क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत, उत्तर भारत में एनी बेसेंट का था, ठीक है, संपूर्ण भारत। 1918 के अंत में तिलक इंग्लैंड चले गए, क्यों गए बताओ। एक पर्सन था जिसका नाम था बेरेनस्टाइन सिरोल, सिरोल ने एक पुस्तक लिखी है अर्नेस्ट इंडिया, अर्नेस्ट इंडिया में लिख दिया कि भारतीय अशांति के जनक बाल गंगाधर तिलक हैं, तो तिलक मानहानि का मुकदमा करने वहाँ चले गए, ठीक है। तो 1918 के अंत में यहाँ से गए, ठीक है, इंडिया अर्नेस्ट के लेखक बेरेनस्टाइन सिरोल पर मानहानि का मुकदमा। एक क्वेश्चन पूछा था भारतीय अशांति का जनक तिलक को किसने कहा, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे 1917 में एनी बेसेंट जो है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी चुनी गई इसी दौरान,
तो इन दोनों ने मिल करके, अब इन दोनों के माध्यम से हुआ क्या, एनी बेसेंट का जो था होम रूल लीग आंदोलन, उसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू सब इकट्ठा हो गए, और इधर इसके उसमें भी इकट्ठा होने लगे बाद में तिलक के ही। तो जो कांग्रेस खत्म हो चुकी थी अचानक से एक मंच में आ गई, उसके लिए एक नया कांग्रेस हुआ, उसका नाम था लखनऊ समझौता। ठीक है, लखनऊ समझौता होता है आपका 1916 में। ठीक है, 1916 का लखनऊ कांग्रेस। तो एनी बेसेंट तथा तिलक के प्रयासों से कांग्रेस में नरमपंथी और गर्मपंथी खेमे एकजुट होने लगे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता पूछी जाती है, अंबिका चरण मजूमदार ने की। कांग्रेस लीग समझौते का पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा स्वीकार किया गया। उदारवादी तथा उग्रवादी दोनों एक मंच पर आ गए। ठीक है, और एक तरीके से ये समझिए कि इसमें दोनों ने सामंजस्य स्थापित किया। गांधी अभी दूर हैं, देश भ्रमण कर रहे हैं, गांधी दूर हैं, उन्होंने, गांधी ने होम रूल लीग आंदोलन में सदस्यता नहीं ली, वो अभी दूर दूर रहे, गांधी यहाँ पर भी नहीं है, लखनऊ इसमें भी नहीं है अधिवेशन में। 1917 में एंट्री करेंगे, जब देश वेश घूम कर चंपारण करके फिर आएंगे, तब एंट्री गांधी करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक पर्सन था मॉन्टेस्क्यू, उस समय कौन था, मॉन्टेस्क्यू चांसफोर्ड सुधारा था, मॉन्टेस्क्यू था भारत सचिव इस समय। तो भारत सचिव ने 20 अगस्त 1917 को ये घोषणा की कि हम जितने भी हमारे विश्व में जहाँ जहाँ पे हमारे ब्रिटिश क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों पर हम स्वायत्त शासन स्थापित करना चाहते हैं, हम भारत को भी स्वायत्त शासन देना चाहते हैं। जैसे ये कहा सब सब खड़े हो गए, सबके कान खड़े हो गए कि क्या बोल रहे हैं ये। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेस्क्यू घोषणा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार इसमें ब्रिटिश के द्वारा ये कहा गया कि हम भारत में एक क्रमशः उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे, इकट्ठा नहीं आजाद करेंगे, धीरे धीरे आपको क्रमशः उत्तरदायी शासन आपको दे देंगे। उसी के लिए आया था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, फिर भारत शासन अधिनियम 1935, उसी क्रम का। तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड घोषणा 20 अगस्त 1917 को आई। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके तुरंत बाद 20 अगस्त 1919 के तुरंत बाद महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति पर पदार्पण हो जाता है, जिसको मैंने आपको बता दिया। ठीक है, गांधी जी आते हैं अफ्रीका में, मैंने बताया, फिर गांधी जी का चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, अभी बहुत बाकी है, गांधी तो पूरा बाकी है, अभी तो गांधीवाद बाकी है। गांधीवाद क्या है, अपने आप में एक ऐसे बनता है, एक टॉपिक बनता है। तो सब चीज़ें मैं आगे जब नेक्स्ट इसका पार्ट आएगा उसमें समझाऊंगा। अब आपका काम क्या है, आपका काम है ये दो मास्टर वीडियो मेरे प्राचीन भारत के पढ़े हैं, आधुनिक भारत के पढ़े हैं, मध्यकालीन भारत पढ़े हैं, इनको सबको क्रम से देखना। यदि आप इनको क्रम से देखोगे, विश्वास के साथ मान लीजिए कि कम समय में वो जानकारी है जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। ठीक है, इसलिए आपका ये फ़र्ज बनता है, आप जो ये आज की क्लास है इसको बार बार रिवाइज करना है, दो बार तीन बार देखेंगे आपको एक एक फैक्ट रट जाएगा, एग्जाम से पहले आप इसको देख कर जाएंगे ताकि आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लगभग मैं सफल हुआ हूँ बताने में, बाकी ये चीज़ें अब आपके ऊपर होंगी। मैं इतना समझ सकता हूँ कि एक बड़ी जानकारी जब कम समय में मिलती है तो दिमाग की कैपेसिटी के ऊपर होता है। हार्ड डिस्क से 2 GB की जानकारी, यहाँ पे डाटा हमारे पास 1 TB का, तो वो समस्या हो जाती है। अपनी हार्ड डिस्क बढ़ाइए, है ना, आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कितना है उस पर निर्भर करता है कि आपका दिमाग हैंग तो नहीं हुआ होगा, आधो गजा तो हैंग हो गया होगा, है ना, इसलिए कैपेसिटी बढ़ाइए, कम से कम 1000 TB की हार्ड डिस्क लाइए, वो तभी होगा जब आप, है ना, तो वो बहुत ज़रूरी है। देखो बहुत ज़रूरी है, यदि आप ये टॉपिक डिटेल से भी पढ़ेंगे। देखो मास्टर वीडियो एक मेरा एक अलग प्रोडक्ट है, मैं मास्टर वीडियो को अन्य चीज़ों में मर्ज नहीं करता, मेरी डिटेल क्लासेस अलग हैं, ये अलग है, भारत दर्शन अलग चीज़ है, मैं बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग करके चलता हूँ, इसका एक सिलसिला है जो चल रहा है क्रम से, हर सिलसिले में मैं एक एक चीज़ देता जा रहा हूँ। मैं पूरे भारत के एक एक राज्यों का मास्टर वीडियो दूंगा, मैं आपको पूरे भारत का एक अभी मेंस में उतरूंगा, आंतरिक सुरक्षा का अलग, इंटर, आप लोग IR कितना पढ़े, बहुत पढ़े, उसका एक वीडियो में पूरा ख़त्म। ये एक पहले, ये एक स्किल है, तो इस स्किल एक वीडियो में सब, एक एक वीडियो में सब खत्म, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, बहुत पढ़ना है, दोनों पद्धतियाँ एक साथ चला रहे हैं हम। मैं क्रैश कोर्स भी कराता हूँ, मेरा अलग प्रोडक्ट है, क्रैश कोर्स में आपको कम समय में किसी टॉपिक को ख़त्म कर देना, और डिटेल से पढ़ना तो मैं 3-3, 4-4 महीने भी पढ़ाता हूँ, है ना, वो भी अपने अंदर पहली सहेली है। तो सारी विधाएं होनी चाहिए, UPSC का छात्र इसी को कहते हैं, जो कम समय में इतनी जानकारी को लिख दे, है ना, जो
जानकारी को विस्तृत भी कर दे जितनी विस्तृत करना चाहे, जो चाहे तो उसको जितना चाहे उसका हम दायरा घटा बढ़ा सकें। इसे कहते हैं परफेक्ट प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम। ठीक है, उसी को लेकर के आज हम जो है, आप लोग, आप में से कुछ नए लोग भी आए हैं, है ना, चलो तो ठीक है, इसको आप लोगों को देखना है, देख लेंगे सब लोग, रिवाइज कर लेंगे, अभी कहीं नहीं किसी को जाना, बैठिए।